हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन सभी का सभी को नमस्कार सभी का स्वागत शिवानी बिमलेश अंजलि सोनपाल पूजा अंकित सौरभ अस्मित वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग प्रभु पल्लवी कविता कैसे हैं आप सब हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग सलोनी डॉली अभिषेक जतिन चलिए तो टुडे इज द सेकंड क्लास हमारे बैंकिंग अचीवर्स बैच नंबर थर्टीन की और कल की क्लास में हमने सिलेबस का डिस्कशन बहुत ही डिटेल्ड मैनर में किया कि भाई कितने सेक्शंस हैं कितने तरह के क्वेश्चन टाइप हैं क्या अप्रोच है एसएससी वर्सेस बैंकिंग का जो मन में एक डाउट होता है वहाँ पे कहाँ कहाँ डिफरेंस है वो सारी चीजें हो गई आज हम सीधा आ जाते हैं अपने लैंग्वेज वाले एरिया के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस भी आज की क्लास में आप सॉल्व करेंगे जैसा मैंने कल आपसे वादा किया था कि हमें थोड़ा आइडिया लगे कि, कि किस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग में पूछे जाते हैं और कैसे अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं आपको अप्रोच क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो चले सो so, कल हमारी इंट्रो क्लास थी आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास है थोड़ी जहां पे सारे एरियाज को लेकर के जो आपके डाउट्स हैं वो सारा कुछ मैं क्लियर करूंगा और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे देखेंगे हम देखिए जब हम इंग्लिश की बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे नेमली uh, कितने एरियाज हो जाते हैं देर आर थ्री एरियाज एक्चुअली जिनके स्किल्स को टेस्ट करते हैं वो एक है आपके ग्रामर का एरिया दूसरा है वो कैप का एरिया और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन का एरिया ठीक है ये तीन एरियाज हमारे एग्जाम्स के अंदर टेस्ट किया जाता है और इंग्लिश जिसको मैंने कहा भी था कि ये वर्बल एबिलिटी की टेस्टिंग होती है वर्बल का मतलब क्या रिलेटेड टू वर्ड्स कि आप शब्दों के साथ कितने अच्छे हैं यह इसका लिटरल मतलब होता है वर्बल का मतलब बहुत सारे लोग मौखिक समझ लेते हैं सो दैट इज ओरल दैट इज नॉट वर्बल इवन वेदर यू आर स्पीकिंग आर राइटिंग यू विल डेफिनेटली भी यूजिंग वर्ड्स ओनली तो शब्दों का इस्तेमाल तो आप बोलने और लिखने दोनों में करते हैं तो इसको कभी कन्फ्यूज मत करेगा कि वर्बल का मतलब मौखिक होता है मौखिक की अंग्रेजी ओरल है एनी anyway, वे तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पर्टिकुलर एरिया में आपको चैलेंज आपको दिक्कत फील होती है मुश्किल फील होती है तो क्या बताओगे आप कहां पे दिक्कत ज्यादा फील होती है बताइए बिल्कुल अच्छा हूं मैं डॉली जी। एकदम ईमानदारी के साथ क्योंकि देखो शुरुआत में ही जब हमें अपने गैप का पता लग जाता है कि मैं कहां हूं मुझे क्या दिक्कत है तो उसके बाद हमारी तैयारी बहुत बेहतर होती है क्या दिक्कत आती है हमारा संबंध बड़ा ऑनेस्ट होता है जैसे एक डॉक्टर और मरीज मरीज को पूरी सच्चाई बतानी होती तभी डॉक्टर बेहतर इलाज करता तो मुझे आपकी सच्चाई का पता तो है ही है बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप मुझे बताएं अस्मित पूजा डॉली लगातार तीन सर वो कैब में दिक्कत है देवांश को ग्रामर में दिक्कत है सौरभ और नीरज को कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है अस्मित को वो कैब एंड कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है बिमलेश को अभी तो सब में है सर वेरी गुड प्रभु सर मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है अरे नाम प्रभु है भाई डोंट टेक टेंशन तरुण ग्रामर शिवानी कॉम्प्रिहेंशन कविता ग्रामर नवनीत वोकैब में प्रॉब्लम है सलोनी ग्रामर में सर सब में दिक्कत है आयुष को अभिषेक ऑल ऑफ दीज हम लोग लर्नर हैं बिल्कुल तो देखो प्रॉब्लम सभी में अगर मैं थोड़े थोड़े चैलेंजेस दूं आपको तो अभी सभी को नजर भी आ जाएगा कि हाँ हमारी प्रॉब्लम हर एक लेवल पे थोड़ी थोड़ी सी देखने को मिलेगी ठीक है अब जैसे मैं अगर एक छोटा सा सेंटेंस आपको दूं यहां पे सभी एरिया की थोड़ी थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं इसे मान लो मैंने यहां पे सेंटेंस आपको दिया कि आ, ये एक ब्लैंक प्लेस है और इसके लिए मैं आपको अगर ऑप्शन दे दूं Compliance, complaint, comply, or complaint, कंप्लाई और C D में से किसके साथ आप जाने वाले हो D में से किसके साथ आप जाने वाले हो बताओ मुझे बहुत आसान क्वेश्चन है सब सही करोगे बट मैं थोड़ा सारे एरियाज का पॉइंट आपको प्रूफ करूंगा क्या हमारे पास अप्रोच होना चाहिए डॉली बी हैं पूजा ए हैं नवनीत ए हैं शिवानी सी हैं सोनपाल सी हैं अभिषेक बी हैं अब देखो इतने ही जवाब में तीन जवाब आ चुके हैं डी को छोड़ करके आ, सारे जवाब आ चुके हैं देवानशे हैं कविता खुशी और हेमंत बी हैं सीमा सी हैं स्तुति कंप्लाई कह रही हैं तो अब ये क्या है यहां पे क्वेश्चन तो आपको फिलर का दिख रहा है लेकिन ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की टेस्टिंग हो रही है यहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अब आपको अगर मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूछूं कि मुझे यह बताओ कि भाई हमें यहां पे किस तरह के शब्द की दरकार है जरूरत है तो हमें यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है और तो कुछ आएगा नहीं यानी हमें अगर इस शब्द को छोड़ दें बी जो है बी जो है ये तो बिल्कुल नहीं होगा रिंकी और नीरज और पल्लवी अभी फिर मुझे बी के साथ नजर आ रही हैं मुझे लगा था ये तो कोई नहीं करेगा ये सबके सब, सब एलिमिनेट कर देंगे भाई कंप्लेंट तो शिकायत होती है कंप्लेंट शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है ठीक है अब जैसे देखो जब कहा कि ग्रामर की क्या दिक्कत है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अगर आप एस्परेंट हैं तो ग्रामर का मतलब दो बेसिक चीजों की समझ होनी चाहिए और वो दो बेसिक चीजें क्या है वर्ड सेलेक्शन की समझ और वर्ड प्लेसमेंट की समझ कि भाई मुझे अगर जैसे यहां पे देखो चार वर्ड्स में से एक वर्ड सेलेक्ट करना था ना अब आप मुझे कहोगे नहीं सर ये ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है या सर वो कैब के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो चाहो कह लो कॉम्प्रिहेंशन कह लो सर सेंटेंस को तो समझना पड़ेगा ना क्या कहना चाह रहा है तब तो हम एक वर्ड फिल करेंगे तो लैंग्वेज uh, के अंदर आप ऐसे पहली बात तो सेग्रीगेट नहीं कर सकते क्वेश्चन टाइप डेफिनेटली सेग्रीगेट होते हैं कि भाई ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हम भी कैटेगराइज कर रहे होते हैं बट जिसे कहा जाता है ना कोई अ, अगर मान लो ऐसा स्टेटमेंट दे कि मेरी ग्रामर अच्छी मेरी वकैब अच्छी नहीं है या मेरी वकैब अच्छी है मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है तो इसका मतलब बेचारा बहुत मासूम है उसको अभी एहसास भी नहीं है आपको अंग्रेजी आपकी याद तो अच्छी होती या नहीं होती आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ग्रामर अच्छी है वकैब अच्छी नहीं है अब ग्रामर अच्छी है यानी शायद आप ये समझ रहे हो कि कोई खास किताब आपने रट ली हो ग्रामर के रूल रट लिए हो तो आप चौड़ में घूम रहे हो कि नहीं मेरी ग्रामर अच्छी है इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते हर एक क्लास की शुरुआती क्लास के अंदर इंट्रो क्लास के अंदर जब ऐसे सवाल देता हूं मैं वहां गलती होती है और बहुत सारे तैयारी करके पढ़े लिखे लोग आते हैं बट वहां पे दिक्कत क्या है कि ग्रामर का मतलब उनको ये लगता है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स रटने हैं अरे तुम्हें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब बैड वो प्रपोजिशन कंजंक्शन सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये वर्ड ग्रामेटिकली है क्या जैसे कल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था सपोर्ट शब्द का या आप एक सही शब्द चूज नहीं कर पा रहे और यह डेफिनेटली अगेन एमटीएस लेवल का क्वेश्चन है उससे ऊपर किसकी औकात नहीं है यह कोई बैंकिंग लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं है आप एक सही शब्द का चुनाव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपका ग्रामर निलबट्टा सन्नाटा है कुछ नहीं पता तो इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि हमारा फोकस पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग पे होगा रटने पे बिल्कुल नहीं होगा तो आइए जरा इस बात को समझ लेते हैं ये तो एक विजातीय शब्द था लेकिन यह तीन वर्ड ना एक ही कैटेगरी के शब्द थे बस इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल में चेंज था कंप्लाई जो शब्द है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है आज्ञा पालन करना कंप्लायंस जो शब्द है ये नाउन है जिसका मतलब हो गया आज्ञा पालन और कंप्लायट जो है ये हो गया आपका एडजेक्टिव आज्ञा पालक इसीलिए हिंदी भी बोलते चल रहा हूं कि आपको ये क्लैरिटी आए थोड़ी सी अब यहां पे हमें क्या चाहिए था हमें वर्ब की जरूरत थी तो यहां कंप्लाई होगा वही तो वर्ब है एक वही तो एक अकेला वर्ब है यानी आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा यह इसका हिंदी अनुवाद हुआ यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स राइट अब अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्लाइंट शब्द का इस्तेमाल करो सेंटेंस में और एक सेंटेंस बनाओ तो कैसे बना सकते हो ही इज अ कंप्लाइंट एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी अब देखिए बात जस्टिफाई होगी कि नहीं होगी भाई एम्प्लाई शब्द नाउन है और नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है बचपन से पढ़ रहे हो एडजेक्टिव करता है तो इंप्लाई इज नाउन कंप्लाइंट एम्प्लाई यानी आज्ञा पालक जो आज्ञा का पालन करे ये एडजेक्टिव हो गया अब मैं कहूं कंप्लायंस का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाओ तो वो भी बना सकते हो आप यू हैव टू वर्क इन कंप्लायंस इन कंप्लायंस विद गवर्नमेंट रूल्स अब आप देखो यहां पे कि भाई यहां पे अब हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये नाउन है और इन यहां पे है प्रेपोडीशन बचपन से हमने ये परिभाषा पढ़ी कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस इसीलिए संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं हम प्रेपोजिशन को ये सेंटेंस के बीच में संबंध बताता है शब्दों के बीच में यानी किसी नाउन प्रोनाउन से पहले लग करके उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है मैंने कल भी कहा था नो वर्ड इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन बट एट लीस्ट यू शुड बी क्लियर विद द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रेपोजिशन कि प्रपोजिशन का रोल क्या है एक सेंटेंस के अंदर वो किसके पहले पोजीशन होगा यानी अगर प्रेपोजिशन आया तो दिमाग की बत्ती जलेगी कि यार उसके बाद नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन यही आने वाला है तो आप फिर इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे तो अब जाकर के सारे शब्दों का कंप्लेंट का भी अगर आपको इस्तेमाल करना है अब मैंने ये क्यों दिया क्योंकि तो कंप्लेंट और कंप्लाइंट ये कंफ्यूजिंग वर्ड में आते हैं होमोफोन में आते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आप आंखें खोल के देखो तो आपको नजर आएगा कि इन शब्दों में कहां पे फर्क है यहां पे फर्क है बस देखो ये ए आई है और ये आई ए है और कोई फर्क नहीं तो जानबूझ करके मैंने वो वर्ड दिया कि कंफ्यूजिंग है लेकिन आप तो इतना समझदार हो करी लोग है बट कुछ लोग उसमें भी फंस गए

ग्रामर में हमें दो चीजों पर जो फोकस करना है वो क्या करना है कि हमारी क्लैरिटी फंक्शन की, की कि हमें शब्दों के चुनाव में कहीं कोई दिक्कत ना हो और वर्ड की प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत ना हो अगर एक ही शब्द को अलग अलग जगह पे प्लेस किया जाए तो हम पहचान सकें कि इसका फंक्शन इस समय क्या है ये किस तरह का रोल यहां पर निभा रहा है ठीक है so, सो वर्ड सेलेक्शन वर्ड प्लेसमेंट अब जरा वर्ड प्लेसमेंट का भी एक उदाहरण दे देता हूं यहां तो चलो वर्ड सेलेक्शन की बात थी वर्ड प्लेसमेंट क्वेश्चन पे बाद में आएंगे पहले थोड़ी बेसिक ज्ञान की बात कर लें। अब जैसे एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस मैं अगर आपको देता हूं कि भाई आई अप्रोच आई अप्रोच थिंग्स डिफरेंटली एंड दूसरा सेंटेंस आई लाइक योर अप्रोच आई लाइक योर अप्रोच अब मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ कि अप्रोच शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में तो यही है वर्ड प्लेसमेंट एक ही शब्द की प्लेसमेंट को अगर मैंने चेंज किया तो उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल बदल जाता है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल तुरंत बदल जाएगी तो यानी हमारी वही बात की समझ इतनी होनी चाहिए कि नाउन का क्या फंक्शन है एडजेक्टिव प्रोनाउन नाउन वर्ब हम पहचान पाए शब्दों के बदलाव के बाद भी हमारे मन में कोई बोझिल ज्ञान नहीं होना चाहिए आंख बंद करके रटा हुआ ये ये वर्ड ये होता है ये वर्ड ये होता है वो वाली चीज डेंजरस है एक और एग्जांपल देता हूं उसके बाद हम चर्चा एक साथ कर लेंगे इसकी मान लीजिए मैंने ये कहा कि आई सीन दिस बिफोर और एक वो सेंटेंस जो आपने बचपन से सुना टेंस की क्लासेस में ट्रेन हैड हाँ लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन ठीक है और एक सेंटेंस मैं ये लिख दूं बिल्कुल हमारी अभी की सिचुएशन के लिए कि आप सभी के मोबाइल में आपके सामने मैं बैठा हूं या आप मेरे सामने बैठे हैं तो यू आर सिटिंग बिफोर मी सारे सेंटेंस आसान है मतलब सभी को समझ में आ रहा है बट हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे पास ये समझ जरूर होनी चाहिए कि भाई ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है अब यहां पे कॉमन वर्ड क्या है बिफोर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ बिफोर की क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल है अब हो सकता है किसी के बचपन का एक्सपीरियंस रहा हो कि आंख बंद करके उसने रटाओ बिफोर होता है तो अब उसको ये झटका भी लग सकता है क्लास में यार, ये क्या हो गया? यार बिफोर तो प्रेपोजिशन होता है बचपन में पढ़ा था मैंने याद भी है बहुत बचपन की बात तो याद ही रहती है उसी को तो खींच खींच के काम चलाते हैं लेकिन यहाँ पे वो बोझ खत्म हो जाएगा टोटली यहां कोई चीज रट के नहीं रखनी है हर एक चीज का लॉजिक होगा अब आप चलिए आप आंसर करें वहां पे कोई दिक्कत नहीं है या मैं दे दूं थोड़ा टाइम चलिए मैं टाइम दे देता हूँ एक मिनट का टाइम दे देता हूँ मुझे बता दो आप ये दो सेट मैंने आपको दिए हैं पहला सेट ये है दूसरा सेट ये है और यहां वर्ड प्लेसमेंट की समझ को हम टेस्ट कर रहे हैं आपको जो भी लग रहा है चॉइसेस की कोई कमी नहीं है सात चॉइसेस हैं <laughs> बताओ मुझे क्या लग रहा है अप्रोच और बिफोर आपको हम ग्रामर की शुरुआत यहीं से करेंगे ग्रामर प्राइमर से ही करेंगे बट लेकिन एटलीस्ट भूख तो जगा लें तब खाना खिलाऊंगा मैं आपको कि हमें समझ आए चले आपका टाइम होता है अब, अब मैं नाम पढ़ूंगा तो फिर टाइम जाएगा आप खुद ही मिलान कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है रीजन हमारे पास हर एक चीज का होगा आई अप्रोच थिंग्स डिफरेंटली यानी मैं चीजों को अलग तरीके से अप्रोच करता हूं यह सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यह वर्ब है और आई के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो यहां ये यह अप्रोच हो गया वर्ब बट आई लाइक योर अप्रोच के अंदर कल भी हमने इसकी बात की थी कि देखो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया यहां अप्रोच जो शब्द है ये नाउन है your है योर पजेसिव एडजेक्टिव भाई नाउन से पहले जो आएगा उसको डिस्क्राइब करेगा किसी भी तरीके से तो वो एडजेक्टिव होता है और योर संबंध बता रहा है कि तुम्हारा राइट सो आई लाइक योर अप्रोच मुझे तुम्हारा अप्रोच तुम्हारा तरीका तुम्हारा मेथड पसंद है तो यहां वही अप्रोच शब्द क्या हो गया नाउन हो गया अब जो मैंने कल एक छोटी सी बात आपके साथ की थी कि यह भी चीज हम बचपन से रटे रहते हैं एसवीओ अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस का यह सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है आई लव यू टाइप ठीक है तो अब वही आप देखो कि जब आप आई लव यू बोल रहे हो तो कहानी वही है भाई आई सब्जेक्ट है प्यार करने वाला लव वर्ब हो गया और यू ऑब्जेक्ट हो गया जिसको ये प्यार मिल रहा है बट यहाँ पे हमसे गलती क्या हो जाती है हमें ये लग रहा होता है कि वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द को ऑब्जेक्ट कहते हैं चीजों को थोड़ा गलत तरीके से परसीव किया हुआ है हमने भाई वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होता जो उस वर्ब को रिसीव कर रहा होता इसीलिए सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो डूअर ऑफ द एक्शन है यानी काम करने वाला है और ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो रिसीवर ऑफ एक्शन है क्योंकि जो एक्शन हो रहा है एक काम करने वाला है उस एक्शन को करने वाला है और दूसरा उस एक्शन को रिसीव करने वाला है तो प्यार करने वाला मैं हूं उस प्यार को रिसीव कौन कर रहा है आप कर रहे हो तो ये जब क्लैरिटी आपको होगी कि भाई रिसीवर ऑब्जेक्ट होता है तो आप फिर गलतियां नहीं करेंगे फिर गलतियां आपसे नहीं होंगी अब जैसे यहां पर देखें आप यहाँ पे ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है ये सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब हो गया ये आपका क्या है ये ऑब्जेक्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं लेकिन क्या डिफरेंटली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पार्ट है नहीं ये ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है ये एडवर्ब का पार्ट है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि मैं कोई काम कैसे करता हूं एक एक शब्द को तोड़ने की ताकत होनी चाहिए मुझे बड़ा से बड़ा, से बड़ा सेंटेंस दे दो चाहे कितना भी लेंदी हो आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल इन ब्रेकिंग अ अंदी सेंटेंस व्हेन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस सब जाकर के आपको अंग्रेजी आसान लगती है देन वेन यू स्टार्ट रीडिंग बिजनेस न्यूज पेपर्स लाइक यू नो बिजनेस बिजनेस लाइन देर इज फाइनेंशियल एक्सप्रेस इकोनॉमिक टाइम्स आर एनी रिसर्च पेपर लाइक एच बी आर मैकेंजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप या नॉर्मल कोई भी अखबार उठा लो हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू वेन यू रीड लेंदी सेंटेंसिज यू डू नॉट गेट कॉन्फिडेंस और फिर आप उसी की वजह से पढ़ना भी छोड़ देते हैं अब जैसे यहाँ पे सुझाव आपको लगातार मिलता होगा मिलता रहा भी होगा कि यू शुड रीड न्यूज पेपर्स यू शुड रीड न्यूज पेपर्स लेकिन कई बार ये नहीं होता कि नहीं न्यूज में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है तो हम शायद लोगों को कहने सुनने के बाद न्यूज लगा भी लेते हैं सब्सक्राइब भी कर लेते हैं भैया न्यूज़ पेपर देखे भी जा रहे हैं द हिंदू शुरू के दो चार दिन थोड़ा जोश रहा उसके बाद वो बस घर में इकट्ठी हो रही है पढ़ने का जी नहीं करता उसमें क्यों नहीं करता यही सारे तो बैरियर्स हैं रीडिंग में आपके आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा अगर सेंटेंस का आपने बचपन में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आई लव यू टाइप की अंग्रेजी पढ़ी उसके बाद उस चीज में सुधार नहीं हुआ आपको लंबा सेंटेंस समझ ही नहीं आता फिर आपको लगता है चीजें तुक्के पे चलती हैं अंग्रेजी में नहीं ऐसा नहीं है इसकी भी अपनी गणित है इसकी भी अपनी गणित है तो वही फिर बुकैब की वही दिक्कत कि भाई जैसे ही आपने पांच लाइनें पढ़ी सात लाइनें पढ़ी चार ऐसे वर्ड मिल गए जिसका मतलब ही आपको नहीं पता अब आपको बार बार डिक्शनरी देखना फिर अच्छा नहीं लगता तो वो दूसरा बैरियर का काम करता है तो ग्रामर और वकैब अगर इनके फंडामेंटल्स आपके नहीं क्लियर हैं फंडामेंटल्स बोल रहा हूँ प्रकांड पंडित होना नहीं बोल रहा हम बात उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं जो कि हमने स्कूल के दिनों में पढ़ी नाउन प्रोनाउन एजिटिव वो बैड वो प्रेपरिशन बट वहां रटा यहां समझना है समझ लेंगे कोई मुश्किल नहीं है आप शायद अगले दो हफ्ते में आप बहुत बेहतर लेवल पे होगे चाहे अभी भी आपको दिक्कत है इन चीज़ों में दो हफ्ते के बाद ही आपको अपने अंदर बदलाव दिखने लगेगा वेन यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर मैगजीन व्हाट्स एवर यू फील कंफर्टेबल और जब वो कंफर्टेबिलिटी आएगी ना तब इंटरेस्ट डेवलप होता है ज्ञान तो दे दिया जाता है सामने सिंह ने यू शुड रीड न्यूज पेपर मैं जब चैलेंजेस पूछता हूं ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के चैलेंजेस क्या हैं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं बोलते मैं उनको याद दिलाता हूं तुम्हें तो इंटरेस्ट है पढ़ने में बताओ मुझे पढ़ने का मन करता है एडिटोरियल का सेक्शन पढ़ने का मन करता है बिजनेस सेक्शन मसाले वाला पेज तो पढ़ लेंगे हम डेली टाइम्स नोएडा टाइम्स एच टी है, सिटी है, हैं जहाँ मसालेदार खबरी हैं आई कैंडी पिक्चर्स हैं वहाँ पे पेज थ्री न्यूज जिसे हम कह रहे होते हैं रंगीन चित्र लेकिन जहाँ पे पीला पेपर और काले अक्षर हैं छोटे छोटे और दुनिया भर की बात हो रही है जियो पॉलिटिक्स की, की बात हो रही है जियो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात हो रही है श्रीलंका में क्या संकट आया है क्यों आया है रशिया यूक्रेन के बीच का क्या टसल है इसका बैकग्राउंड क्या है सऊदी you अरेबिया know, और अमेरिका के रिश्ते तो समय कैसे हैं अब आपको अगर नहीं पता इन चीजों का बैकग्राउंड तो आपको वैसे भी समझ नहीं आता प्लस उसमें जार्गन्स आ जाते हैं कई बार टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं लाख कहने सुनने के बाद भी यू डू नॉट फील इंटरेस्टेड इन रीडिंग तो ये बैरियर जो है इन बैरियर को हमें दूर करना है। रुकावटें दूर करनी है इवन इफ यू आर वॉचिंग अ टॉक शो ऑन एनी एनी न्यूज चैनल रीडिंग न्यूज कहीं बैठे हो कोई डिस्कशन सुन रहे हो किसी Uh, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर सेशन आप देख रहे हैं तो आपको कॉन्टेंट समझ में आए आप उसको डिकोड कर पाएं, कर पाए पाए अंडरस्टैंड तो कॉम्प्रिहेंशन तीसरा पड़ा है। ये जो हमने तीन शब्द यहां लिखे हैं ना इनका आपस में कनेक्शन है अगर ग्रामर अच्छी होगी वो कैब अच्छी होगी तो कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी इसको ऐसे भी कर सकते हो आप जो मैं गणित की बात कर रहा था अंडरस्टैंडिंग जो पैसेज हमें समझ में नहीं आते वो इसलिए नहीं समझ में आते कि हर भाषा के ये दो बेसिक पिलर होते हैं हर भाषा का अपना शब्द होता है अब आप ये तो नहीं बोलते ना हम खाता हूं आप क्या बोलते हो मैं खाता हूं लेकिन हम खाते हैं बोलते हैं। तो तो यही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो ये हिंदी भाषा का है कि भाई हम प्लुरल है तो वहां खाते हैं लगेगा मैं सिंगुलर हूं तो यहां खाता हूं लगेगा तो यही सब तो पढ़ा है बचपन से तो हर भाषा में ऐसे ही शब्द हैं और शब्दों को अरेंज कैसे करना है ये उस भाषा का व्याकरण सिखाता है ये उस भाषा का व्याकरण सिखाता है कहाँ है लगाओगे कहाँ है लगाओगे कहाँ हूं लगाओगे ये कौन डिसाइड कर रहा है ये व्याकरण डिसाइड कर रहा है तो जैसे हर वही मैंने कहा हर भाषा में अपनी शब्दावली होती है और उसका व्याकरण होता है वैसे अंग्रेजी की भी शब्दावली और व्याकरण है दोनों पिलर्स को दुरुस्त कर लो अंग्रेजी समझ अपने आप लाने लग जाएगी तो हम प्रॉब्लम की वही बात है जड़ तक नहीं जाते हवा हवा में चीजें रहती कि लगता अंग्रेजी तुक्के से ही होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है ये दोनों एरियाज हमारे दुरुस्त होंगे और ढंग से दुरुस्त होंगे तो खैर यहां आपने देख लिया अब आइए इसकी चर्चा फटाफट फट कर लेते हैं ये आपको समझा दिया मैंने ये एडवर्ब ऑफ मैनर है आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर यहां पे ये यह जो बिफोर है ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या हो गई इसकी वॉट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये देखो एडवर्ब हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया आपको लॉजिक समझ आएगा क्योंकि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है इतनी समझ है आपको इतनी तो समझ है खैर डिस्क्राइब और भी पार्ट ऑफ स्पीच को करता है एडवर्ब लेकिन इतनी तो समझ सभी को है कि क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो यहां पे ये सीन वर्ब है राइट आई सब्जेक्ट है हैव हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब सीन क्या है मेन वर्ब है दिस मूवी क्या है ये दो शब्द मिलकर के ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहे हैं कोई पूछेगा क्या देखा तुमने तो क्या बताओगे ये पिक्चर तो दिस मूवी अगेन अब इसको भी अगर फर्दर ब्रेक कर दो आप तो यहां पे ये मूवी नाउन है और दिस जो है वो आपका डेमानस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके नाउन फ्रेज बन गया तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन बनता है नाउन फ्रेज भी बन सकता है नाउन क्लॉज भी बन सकता है और अब ये क्या है बिफोर ये इस एक्शन का समय बता रहा है कि मैंने ये फिल्म कब देखी तो एक्शन के होने का जो टाइम बताएगा वही तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा अब मैं आपसे कहूं आई मेट यू ए कल हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आई मेट यू स्टर्डे आई सब्जेक्ट मेट वर्ब यू ऑब्जेक्ट मैं तुमसे मिला कब मिला कल मिला तो जो मिलने एक्शन के टाइमिंग बता रहा है वो एडवर्ब ऑफ टाइम वहां ये एडवर्ब ऑफ टाइम है यहां बिफोर बिफोर ऑफ टाइम है ये वाला बिफोर क्या कर रहा है भाई ये आपका कंजंक्शन है क्योंकि कंजंक्शन नाम से ही पता लगता है जंक्शन का मतलब जोड़ना कौन का मतलब टुगेदर यानी वो शब्द जो दो वर्ड दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ता है वो कंजंक्शन है यानी बचपन से ही जो पढ़ा हमने ये कंजंक्शन था बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी इसको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम कहा जाता है तो वही बिफोर कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और तुम मेरे सामने बैठे हो यू आर सिटिंग बिफोर मी यहाँ ये मी प्रोनाउन है और जो शब्द नाउन प्रोनाउन के पहले लग करके उसका रिलेशनशिप से, उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए बाकी शब्दों के साथ बताता है उसे क्या कहते हैं प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन कहते हैं प्री का मतलब पहले पोजिशन का मतलब पोजिशन करना यानी जो नाउन प्रोनाउन से पहले पोजिशन हो तो यहाँ बिफोर क्या है प्रेपोजिशन यही मैंने तो कहा कि वर्ड प्लेसमेंट की समझ तब आपके लिए अंग्रेजी लिखना भी आसान हो जाएगा जैसे कल हमने बात की थी कि सेकेंड स्टेज में ही आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है वहां आपको ऐसे लिखने हैं लेटर लिखना है अब अगर कोई इंसान मतलब इन शब्दों को पहचान ही नहीं पा रहा बेचारा तो सेंटेंस कैसे बनाएगा उसको अगर कंप्लाई और कंप्लाइंट और कंप्लायंस का फर्क नहीं पता अब अगर उसकी मासूमियत का लेवल यह है कि ये तीनों शब्द अलग अलग हैं भाई मत ए, मतलब तो एक ही है ग्रामेटिकल प्रोफाइल से मतलब बदल जाता है कि कंप्लाई वर्ब है तो आज्ञा पालन करना कहा जाएगा कंप्लायंस नाउन है एब्स्ट्रैक्ट तो आज्ञा पालन कहा जाएगा और कंप्लाइंट इंप्लाई जैसे मैंने कहा तो वो आज्ञा पालक है सब तो जुड़ा आज्ञा पालन के साथ ही है ना तो अगर लल्लू लाल है तो वो तीन बार डिक्शनरी देखेगा वो कंप्लाई के लिए भी डिक्शनरी देखेगा कंप्लायंस के लिए और कंप्लाइंट के लिए क्योंकि उसको अप्रोच की क्लैरिटी नहीं है अंग्रेजी के अगर ये क्लैरिटी हो गई भाई एक बाप है उसी से निकलने वाले ये सारे शब्द ठीक है तो इसको क्या कहोगे आप यही है ग्रामर का फंक्शन क्लियर हो गई बात यस आर नो अब एक एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं फिर बुकैब वाले पोर्शन पे आई जाएंगे हम अब जैसे मैं मैं मान लो यहां पे सेंटेंस कहा कि एक लिखता हूं सेंटेंस ही पास्ट कॉमेंट ब्लैंक प्लेस चॉइसेस हैं आपके पास वन टू थ्री फोर किसके साथ जाओगे आप सर सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है योर अप्रोच जी यहाँ ये योर अप्रोच ऑब्जेक्ट था ये नाउन फ्रेज एडजेक्टिव प्लस नाउन बताओ भाई आसान सा क्वेश्चन है और यहीं से हम फिर वोकैब की तरफ कदम बढ़ा लेंगे इसलिए जानबूझ करके ये वर्ड लिखा है तो ग्रामर की भी टेस्टिंग हो जाए बिल्मिल सब पता लगेगा भाई डोंट वरी वनीत कह रहे हैं मिसोजिनिस्ट अश्मित सेकंड देवान सेकंड कितने लोगों ने ये वर्ड पहली बार देखा है कि जरा इतने खतरनाक शब्द मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा ऐसे भी हैं क्या कुछ लोग थ्री टू तो सीक्वेंस ही चल रहा है बच्चे सीक्वेंस ही चल रहा है जमीन अभी भुरभुरी की जा रही है परेशान मत हो जाओ इसीलिए इसको ओरिएंटेशन क्लास कहा जा रहा है कि जिसकी भी जो भ्रांतियां हैं वो क्लियर हो जाए तो बस क्लास के साथ बने रहो यही सीक्वेंस है पोल खोल हो रही है ना यहां पे, देखो स्तुति डी सोनपाल एक आर एस थ्री अंजलि टू थ्री वन सब कर रहे हो आप मैं पहली बार ही देख रही हूं पूजा ने भी कह रही है। तो ये हाल हैं हमारे सौरभ तो बाबू ये सीक्वेंस में न पढ़ने की वजह से ही है कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में अंग्रेजी की क्लास में पहली क्लास में टेंस पढ़ा है बहुत सारे होंगे आप में से जब कहीं कोचिंग पे गए होंगे पहली क्लास में टेंथ पढ़ा दिया गया होगा पहली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल पढ़ाए गए होंगे आपको जादू उन्हीं सब कुकर्मों का यह प्रतिफल है कि आज हमारे हालात ऐसे हैं क्योंकि सीक्वेंस की समझ नहीं आई हमें और बैंकिंग स्पेशल बैच के अंदर इतना हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड में भी स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं तो इसीलिए बात होती है कि भाई अगर बेसिक्स क्लियर नहीं तो किसी भी बैच में वो दिक्कत हो सकती है उसकी टेंशन मतलब कैट का बैच मैं लास्ट ईयर लेके आया था जो करियर में लैब पे That वॉज डेफिनेटली इन इंग्लिश मीडियम एंड वहां पर भी ये सब दिक्कतें थी तो ये सिर्फ ढंग से पढ़ाई ना करने का नतीजा है मैं एक छोटी सी बात दो मिनट की बताऊंगा हो सकता बहुत सारे लोग आपसे रिलेट करें ये बात कुछ पाँच साल पुरानी है और पाँच छः साल जब मैं कैट इंडस्ट्री छोड़ करके इधर शिफ्ट हुआ था टाइम दिल्ली में कैट की क्लासेस लिया करते थे तो जब बैंकिंग एसएससी में शिफ्ट हुआ तो उस समय एक आई थिंक दूसरा चौथा या दिन था मेरा तो एक मैथ्स के सर ने एक स्टूडेंट uh, को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया और uh, वो स्टूडेंट एम पास आउट थे दो साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस था काम कर रहे थे और क्लासेस भी साथ में साथ ले रहे थे और उनको वो अंग्रेजी से बड़े परेशान थे तैयारी बैंकिंग की कर रहे थे वो तो मैथ्स के सर ने कहा कि सर uh, आप तो टाइम डेली के कैट फैकल्टी हैं आपको तो तुरंत देखते ही समझ आएगा बच्चे की क्या दिक्कत है अंग्रेज़ी में ये सर बड़े परेशान हैं एक बार इनसे मिल लीजिए अब उन सर ने बताना शुरू किया सर स्टूडेंट सर ही जैसे थे वो राइट तो सर ही बोल देता था मैं कोई दिक्कत नहीं तो उनका उन्होंने रोना यही शुरू किया कि सर मैं दो साल से बैंकिंग के पेपर्स लिख रहा हूं और अंग्रेजी में, में मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होता बाकी दोनों एरियाज क्लियर हो जाते हैं और सर मेरी उम्र भी हो गई है शायद लास्ट अटेम्प्ट है उम्र भी उनकी थी अब मुझे एग्जैक्टली नहीं आधे लास्ट अटेम्प्ट बोल रहे थे तो शायद होंगे ही उनतीस तीस साल के और कहा सर काम करते हुए पढ़ रहा हूँ घर की भी कुछ ट्रेजिडी थी बट Uh, मेरी अंग्रेजी में सर अंग्रेजी का कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा अब उनके पास एक मोटी सी किताब भी थी दो साल से वो कोचिंग कोचिंग खेल रहे थे अलग अलग कोचिंग्स में फिर यहाँ पे आए थे वो तो मैंने उनकी नोटबुक खोली पहले ही पेज पे लिखा था सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट और उसके बाद रूल लिखे हुए थे वहाँ पे वही जैसे हम पढ़ाई करते हैं जैसे आपको चमकार दिखाई जाती है कोचिंग क्लासेस के अंदर कि बेटा ये देखो जो दस रूल बताया ना एकदम एग्जैक्ट उसी पर क्वेश्चन आया है क्या बात है अरे बच्चा पहले ही अपंग है वो घोड़े जैसा हो गया एम कर लिया उसने और उसका एक बेसिक लेवल क्लर्क लेवल के एग्जाम का कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा वो बेचारा तीस नंबर में से आठ नौ नंबर वो बीस मिनट में नहीं कमा पाता वो इसी पढ़ाई का नतीजा है मैंने उनको सीधा पूछा सर व्हाट इज सब्जेक्ट चुप हो गए मैंने कहा सर व्हाट इज वर्ब कहा सर वर्ब इज एन एक्शन वर्ड मैंने कहा सर यू आर इंटेलिजेंट अगर मैं ये सेंटेंस बोलू यहां आर किस कैटेगरी का शब्द है कहा सर वर्ब है वर्ब में बहुत प्रकार है ना लेकिन है तो वर् हेल्पिंग वर्ब बोलो चाहे जो भी बोलो ऐसे ही कुछ बोला उन्होंने सर हेल्पिंग वर्ब है मैं कहा चलो सर हेल्पिंग है मेन है वो सब बाद में देखेंगे वर्ब की कैटेगरी का शब्द आर है कहाँ मैं एक्शन हो रहा है यहाँ पे यू आर इंटेलिजेंट में क्या हिंदी अनुवाद हुआ आप समझदार हो इज देर एनी एक्शन हैपनिंग आउट हीयर कहा नहीं सर मैं कहा फिर आपकी डेफिनीशन गलत है या जो कह रहे हो वो गलत फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि सर अभी आप अंग्रेजी का एक सेंटेंस लिख के मुझे यहाँ दें और मुझे कहें जरा पहचानो इसमें से नाउन प्रोनाउन एजटिव वर्ब क्या है मैं नहीं पहचान पाऊंगा सर फिर हाथ जोड़ लगे सर जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं सर प्लीज मेरा क्लियर करा दो तो जो हमें जब करना है अगर हमें अप्रोच का ही नहीं पता तो आप मेहनत करते रहिए बहुत सारे पंचवर्षीय योजना वाले स्टूडेंट हैं पांच साल से तैयारी कर रहे करते रहो अरे बुद्धि सागर समझो जरा इस बात को जो तुम्हें पढ़ा रहा है इतनी समझ तो हो गई ना बीस साल के हो गए हम अठारह बीस बाईस पच्चीस जो भी उम्र है हमारी इतना तो समझ सकते हैं कि क्या कोर्स है मेरी चैलेंज क्या मैं आपके ही चैलेंज के लिए क्लास खर्च कर रहा हूं एक क्लास कि समझ में आए क्या दिक्कत है हमारी सब्जेक्ट कौन बनता है नाउन और प्रोनाउनी सब्जेक्ट बनते हैं या इनका कोई इक्विवेलेंट होता है जो आगे जिरंड और इन्फरेटिव बन जाता है वो वर्ग में जाओगे लेकिन एक बेसिक लेवल पर सभी को पता है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं ना नाउन पढ़ा आपने ना प्रोनाउन पढ़ा आपको माई और माइन और योर योर्स और देर देर्स का फर्क नहीं पता अभी क्या क्या है सेंटेंस लिख दिया जाए तो हाथ पांव फूल जाएंगे सही गलत समझाने में न नाउन पढ़ा ना प्रोनाउन पढ़ा ना वर्ब का पता अभी मैं अपने फाउंडेशन बैच में वर्ब भी पढ़ा रहा हूं कल दसवीं क्लास थी इतना बड़ा चैप्टर खुद वो अभी आज भी चलेगी वो कम से कम बारह चौदह घंटे पढ़ाने पड़ते हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर इतना बड़ा है वो चैप्टर है मेन वोब हेल्पिंग वर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स फिर मॉडल्स में पार्शियल मॉडल्स फिर मेन वर्ब के अलग अलग फंक्शन कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर एडजेक्टिव और वर्क की थर्ड फॉर्म की दिक्कत जहाँ सवाल बनते हैं फिर ट्रांजिटिव इंड ट्रांजिटिव वर्ब फिर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट में जिरंड एंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल फिर इफिनेटिव के इतने सारे वेरियंट सिंपल इन्फिनेटिव प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिविव परफेक्ट इफिटिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिटिव ये सब कुछ मैं बहुत डिटेल मैनर में कराता हूँ हर एक चीज़ आपको भी कराऊंगा इस बैच में यानी इतना बड़ा चैप्टर आपको पता ही नहीं कुछ और चौथा चैप्टर आता है कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करता है दो सब्जेक्ट को यानी चार चैप्टर की समझ का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में लेकिन बालक को पहली ही क्लास में रूल रटाया गया है तुम जन्म बिता लो तुम्हें नहीं समझ आएगी अंग्रेजी यही है सिस्टमेटिक पढ़ाई है हमारी तो सिस्टम को बदलना जरूरी है अगर उस बच्चे को आपने ढंग से नाउन पढ़ा दिया प्रोनाउन पढ़ा दिया उसको वर्ब की समझ है यार वो अग्रीमेंट खुद कर लेगा वो सही बोलता है अपनी भाषा सही बोलता है बच्चा वो मैं खाते हैं नहीं बोलता मैं खाता हूं ही बोलता है वो अग्रीमेंट और क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाओ तुम उसको फिर से रूल रटने के बोझ में डाल रहे हो कि ये लगा हो तो ये कर देना ऐसा है आंख बंद करके बेचारा रट रहा है घोड़े जैसा आदमी उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही चूर हो जाएगा तो उनसे अलग हालचाल हमारे नहीं है लगभग मोर और लेस यही अप्रोच से चीजें पढ़ाई जाती हैं, जादू दिखाया जाता है जाता है जाती है लगाओ तो ये लगा दो अरे बाहर निकलो थोड़ा बड़े हो गए अब वही कब तक करते रहोगे अरे बच्चे को बिना वर्ब के टेंस पढ़ा सकते हो क्या वर्ब से ही तो टेंस डिसाइड होता है इज लगा है तो प्रेजेंट है आवाज लगा है तो पास्ट है पढ़ा लो वर्ब अपने आप टेंस समझ आएगा लेकिन हम कूद कूद के पढ़ेंगे ऐसे एक टीचर का मैं डेमो ले रहा था चार साल पहले अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आप सब जानते हैं करियर पावर उनका ऑफलाइन विंग था मुझे लक्ष्मी नगर में मैं डेमो ले रहा था ऑल इंडिया से अंग्रेजी के टीचर बनने के लिए लोगों ने अप्लाई किया था रिटर्न पचास के करीब लोग आए थे ऑल इंडिया से रिटर्न टेस्ट के बाद छः सात लोग क्लियर कर पाए थे बस पचास नंबर लाने थे उनको तीस मिनट के अंदर तो वो उसमें बाकी लोग छट गए सात लोग मेरे सामने रखे गए मुझसे कहा गया सर इन लोगों के डेमो ले लो आप कि इनको टीचर बनाना है कि नहीं बनाना है छह मैडम सर लोग थे एक मैडम थी उसमें मैडम आती वॉयस पढ़ाने लग गई वही जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना कि टीचर क्लास वो क्या कहते हैं क्लास लेक्चर तैयार करके आते हैं और बांचना शुरू करते हैं उसको आती वॉयस पढ़ा रही है मैडम अब आपको भी कहीं पढ़ाया जा सकता है भाई वॉयस क्या पता पढ़ा सकता है कोई कहे बहुत जादुई चैप्टर है ये लगा हो तो ये कर देना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफ उसका जब पैसे वॉयस बनाना तो इज आर और की थर्ड फॉर्म लगा देना आपको लगे अंग्रेजी तो बड़ी मुश्किल है इसमें तो रटना पड़ेगा हर टेंस में अरे भाई बिना वर्ब और टेंस के वॉयस और नरेशन कैसे पढ़ाओगे तुम तुम वर्ब और टेंस पढ़ा लो वॉयस बच्चा खुद कर लेगा अब उसको पता तो है ना कि किस टेंस में का क्या स्ट्रक्चर होता है किस में क्या बदलाव होगा अगर नहीं पढ़ाओगे खुद करके पढ़ रहा हो तो उसके लिए हमेशा वो मुश्किल रहेगी अंग्रेजी फिर वो भागता रहेगा बेचारा तो मैडम को रोका मैंने मैंने कहा मैडम एक मिनट वाइस तो ठीक है वो करी लोगे आप जरा तीन सेंटेंस लिखो जैसे आपको लिखवा रहा हूं सेंटेंस ऐसा था दिस इज माई वॉच और दूसरा सेंटेंस दिस वॉच इज माइन बचपन से पढ़ रहे हम इस तरह की सेंटेंस दिस इज माई बुक दिस बुक इज माइन मैडम ने लिखा सेंटेंस मैंने पूछा मैडम इज देर एनी डिफरेंस इन दीज टू सेंटेंसेस मैडम सेकंड का पॉज लिया देखा दोनों सेंटेंस को कहा नहीं सर मुझे तो लगता है कि दोनों एक ही बात को कहने के ये दो तरीके हैं जवाब दिया उन्होंने लिटरेरी जवाब मैंने कहा ठीक है मैडम कोई बात नहीं एक सेंटेंस और लिखो सेंटेंस मैंने मैडम को लिखवाया माइन इज द ब्यूटीफुल वॉच माइन इज द वॉच मैंने मैडम से पूछा मैडम ये जो सेंटेंस तीसरा मैंने बोला है और जो आपने लिखा है बोर्ड पे इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट मैडम थोड़ी देर देखा सेंटेंस को अगेन कहा सर मुझे तो गलत लग रहा है वो बाकी छः लोग अभी बैठे थे डेमो देने के लिए सर लोग उनको आना था मैंने कहा सर आप लोगों के क्या विचार हैं अब लड़कों को लगे भाई लड़की तो ज़्यादा समझदार होती है वो कह रही गलत है तो गलत ही होगा तो वो कहे सर हमें भी गलत ही लग रहा है हो गया डेमो हो गया डेमो ज़्यादा बात की जरूरत नहीं होती ऐसे ही तो इंटरव्यूज भी होते आपने सुना होगा एलिवेटर पिच कई बार तीस सेकेंड में आप लिफ्ट में किसी सीईओ के साथ हैं वो आपको पहचान लगा आप काम के लायक हैं कि नहीं काम के लायक है मैंने रिजेक्ट कर दिया सभी को रिजेक्ट कर दिया बाद में जब निकले अब उसी समय तो रिजेक्टेड बोलते नहीं बाद में उनको सूचना पहुंची होगी तो पता लग रहा है कोई तीन साल से तैयारी कर रहा है कोई चार साल से तैयारी कर रहा है किसी का पॉइंट फाइव से रह गया किसी का से रह गया तो वो टीचर बनने आ गए तो आपको लगता है कि पढ़ाई ऐसे होती है अरे मेरा स्टूडेंट अगर ये बोलता है कि सर ये गलत लग रहा है मुझे तो मुझे समझ आता है तुम टीचर बनने आ रहे हो किस मुंह से आ रहे हो भाई तुम अगर टेबल के इस साइड खड़े हो उधर भीड़ है तो तुम्हें उस भीड़ से अलग तो होना है कि नहीं होना है कुछ तो उनको पता ही नहीं है कि माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है और जब तुम प्रोनाउन बोल रहे हो तो तुम्हें पता भी बचपन से ये डेफिनेशन कि नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं तो भैया जो रोल नाउन निभाएगा प्रोनाउन निभाएगा कि नहीं निभाएगा तो अगर कोई प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है तो दिल में दर्द क्यों होता है तुम्हारे लेकिन अंग्रेजी कभी समझी नहीं फीलिंग नहीं आ रही अंदर से सर ये तो ठीक है दिस इज माई बुक दिस बुक इज माइन ये तो बचपन से पढ़ा सर दिस बुक इज हर दिस इज हर बुक दिस बुक इज हर्स ये ठीक तो लग रहा है सर पता नहीं क्या है बट ठीक तो लग रहा है अंग्रेजी ऐसे चलाते हैं दिल के तारों में झंकार बज रही कि नहीं बज रही कब सीखोगे चीजों को तो ये दौड़ दौड़ के जो कूद कूद के पढ़ाई है ना यहां पे अभी जैसे आज तो ओरिएंटेशन क्लास चल रही है कि सारी खामियों का पता लगे जरा आईना देखें हम पहली क्लास में वेयर वी स्टैंड अब जब कल से ग्रामर प्राइमर वो कैप प्राइमर पहले कराया जाएगा आपको इन एरियाज की मिट्टी तैयार की जाएगी भुर होगी थोड़ी तो कल से आप अगर कहोगे तो मैं ग्रामर प्राइमर से शुरुआत कर दूंगा ठीक है वी कैन डू दैट देर इज नो इशू या वो क्या कर सकते हैं अगले वीक ग्रामर से कर सकते हैं तो प्राइमर में यही पर्पज है कि एक ओवरऑल पिक्चर आप तक पहुंच जाए कि नहीं हमें करना क्या है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके ब्रश अप करूंगा जैसे ही ग्रामर प्राइमर की शुरुआत होगी नाउ उनका क्या फंक्शन है प्रोनाउन एडजेक्टिव प्राइमर की क्लास के बाद ही आपकी अंग्रेजी काफी आसान हो जाएगी इसलिए मैंने कहा था दो हफ्ते का टाइम दो बस दो हफ्ते में आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी प्रोवाइडेड दैट जैसे कह रहा हूं वैसे गाड़ी को चलाने दो अगर जो कर रहे थे वो सही होता तो ये हालात नहीं होते हमारे हम वन टू थ्री फोर नहीं कर रहे होते यहाँ पे इतनी तो अंग्रेजी आनी चाहिए थी लेकिन जो करना था वो नहीं किया है उसमें खामी है इसलिए जैसे करा रहा हूं उस अप्रोच को पकड़े आप और ढंग से करें राइट right? सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी आइए तो ये तीनों सेंटेंस यहां पे करेक्ट थे। से भी जब में मुलाकात होगी तब बात करेंगे हम ये यहां पे देखो पजेसिव प्रोनाउन है इसको पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं ये सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है और यहां पे अभी नाउन का फंक्शन आपको बताऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है बड़े सारे सज्जन लोग माई को भी या योर को भी रट के बचपन से बैठे होते हैं कि ये प्रोनाउन होता है अरे प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन का काम करेगा ना कभी माई इज सुना है क्या या योर इज कभी ऐसा सेंटेंस सुना है आपने नहीं ये प्रोनाउन नहीं है ये हमेशा किसी नाउन के पहले आएंगे जो नाउन के पहले आके रिलेशन से बनाए डिस्क्राइब करे उसको वो एडजेक्टिव होता है खैर तो आइए हम यहां पे थे ही पास्ट मिसोजिनिस्टिक कमेंट अब देखो यहां पे अब हम वोकैब की तरफ एंटर कर चुके हैं वोकैब में चैलेंजेस की जब बात करी जाती है तो चैलेंजेस आता है कि सर शब्द को याद कैसे रखें वो याद नहीं रहता और दूसरा है कि शब्द का प्रयोग नहीं आता सर अब जैसे शब्द का प्रयोग नहीं आ रहा है आपको एक ही वर्ड से पैदा हुए चार शब्द लिखे हैं मैंने ये भी अगेन एम लेवल जो क्लास फोर्थ की नौकरी के लिए टेस्ट होता है उस लेवल का यह क्वेश्चन है दसवीं पास अर्थता वाली बट हम जिस भी लेवल पे आते हैं ये हमारे हाल हैं चेहरा आईने के सामने है तो ये क्यों है क्योंकि वही अप्रोच नहीं सही रहा कूद कूद के पढ़ते रहे वेरी इंपॉर्टेंट मिसोजिनी ये शब्द आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बना कैसे है रूट वर्ड यहां पे है वो कैब में आप इस मेथड से वो कैब को बेहतर करते हैं मिसो प्रेफिक्स है जिसका मतलब होता है हेट और गाइनी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वुमन जो कि आप हॉस्पिटल में सुनते हो गायनी डिपार्टमेंट पूरा शब्द बनता है गायनकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल एनाटॉमी एंड हु हैज एक्सपर्टीज इन दैट एरिया इज कॉल्ड गायनकोलॉजिस्ट राइट सो मिसोजिनी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मिजो का मतलब हेट हेट अब hate यहां लिटरल नहीं है इसका मतलब कि महिलाओं के प्रति डिसरिस्पेक्ट का भाव तो अब आप देखिए कमेंट शब्द यहां पे नाउन है और अगर नाउन है तो नाउन के पहले आपको क्या चाहिए यहां पे एडजेक्टिव चाहिए एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके नाउन फ्रेज बनता है कल की क्लास में भी बात हुई थी आगे फिर बात होगी जब ग्रामर प्राइमर करेंगे और आर्टिकल का इस्तेमाल हम नाउन या नाउन फ्रेज से पहले कर सकते हैं यानी हमें जरूरत है यहाँ पे एडजेक्टिव की सो मिसोजिनिस्टिक इज मिसो मिसोजिनिस्टिक इज एडजेक्टिव मिसोजिनिस्टिकली इज एडवर्ब एंड मिसोजिनिस्ट इज कॉमन नाउन ये बेस वर्ड है इसमें आपके कितने अक्षर हैं आठ मिसोजिनी महिलाओं के प्रति अपमान का भाव अब इधर देखो कितने टुकड़े बन गए मिसो जेन एस्ट और एक चार टुकड़े इसी को वोकैब में हम कहते हैं सिलेबल्स यानी एक शब्द के बनने में कितने छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल हुए हैं तो उन टुकड़ों को सिलेबल कहा जाता है और क्योंकि चार टुकड़े हैं तो इसे क्वाड्रा सिलेबिक वर्ड कहा जाएगा तो मिसोजिनिस्टिक कमेंट दैट इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस ब्लैंक प्लेस मिसोजिनिस्टिकली देखो मिजो जेन एस्ट एक अली पांच टुकड़े हैं इसे पेंटा सिलेबिक वर्ड कहा जाएगा और यह क्या है यह आपका एडवोब है अब एडवोब है तो उससे अगर मान लो सेंटेंस बनाने के लिए मैं कहूं तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि पास द कॉमेंट ही पास द कॉमेंट मिसऑजनिस्टिकली ही पास द कॉमेंट मिस अब यहां पे एडवोब की जरूरत थी क्यों जरूरत थी भाई क्योंकि पास यहां पे वर्ब है ही हो गया सब्जेक्ट वर्ब क्या पास किया कमेंट ये हो गया ऑब्जेक्ट और कैसे पास किया तो महिलाओं के लिए अपमान पूर्वक उसने कमेंट पास किया ये एडवर्ब हो गया आपका मिसो जिनिस्ट अब देखो मिसो जिन और इस्ट आई एस टी लगा करके आप वैसे भी कॉमन नाउन बनाते हैं कॉमन नाउन कहां से क्या मतलब हुआ वो शब्द जो कॉमन होता है एक क्लास के सभी मेंबर्स के लिए तो जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं व्हाट इज वन वर्ड फॉर दोज पीपल That is called मिसोजिनिस्ट It's a common word for all those people uh, who do not respect women. Misogynist. तो अब तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है ये आज से शायद दस साल पहले आ, मैं पूछता तो आप कहते नहीं थोड़ा मुश्किल शब्द है तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब जो बहुत पढ़ने देखने और सुनने में आता है दिस इज अ केस ऑफ मिस ऑजिनी संसद में इतने बयानबाजियाँ होती हैं कई बार महिलाओं के लिए अपमान पूर्वक कुछ निकल जाता है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है ये शब्द तो कॉमन शब्द है लेकिन भाई क्योंकि अंग्रेजी में इंटरेस्ट नहीं आया हमारा कभी हमें लगा कि बहुत मुश्किल चीज है या मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए वैसी पढ़ाई रही तुक्के मार वाली तो कभी इंटरेस्ट नहीं जगा कि पढ़ें सुने और देखें ग्रामर दिक्कत है वो कैब दिक्कत है लेकिन अब वो सारी दिक्कतें आपकी सॉर्टेड हो जाएंगी कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी चलिए तो मैं थोड़ा यहां पर रुकूं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है अभी तक की क्लास के बाद क्या समझ में आया आर यू द क्लास आर नॉट मुझे लग रहा है काफी एंजॉय कर रहे हो एकदम शांत पढ़े प्रभु सर मेरा बिगिनर है तो आपका फाउंडेशन करना सही होगा क्या कर लेना प्रभु ये भी एक फाउंडेशन बैच ही होता है ये देखो इसीलिए मैं हिंदी में बोलता हूं इस बैच में शुरुआत में जब बैंकिंग स्पेशल बैचेस होते थे ना तो आई यूज टू स्पीक 60 70 इन इंग्लिश बट लेटर आई रियलाइज दैट दो स्टूडेंट्स आर फॉर एग्जाम्स दो स्टूडेंट्स द सेम स्टूडेंट आर प्रिपरिंग फॉर बैंकिंग एज वेल तो मैंने बदल लिया अपने आप को मैं तुरंत बदल लेता हूँ स्टूडेंट्स के अनुसार उनका हाथ पकड़ने में हैंड होल्डिंग में आ, मुझे बड़ा मजा आता है कि उसका हाथ पकड़ के जहाँ है उसको ऊपर लेके आना है मुझे तो मैं इसीलिए आपके लेवल पर उतर जाता हूँ मैंने बदल लिया तो ये भी बिल्कुल बेसिक सही चलेगा बाकी बाद में मन करेगा ले लेना क्योंकि उसमें ग्रामर जो है फाउंडेशन बैच के अंदर अस्सी नब्बे घंटे ही ग्रैम, तो ग्रामर होती है उसमें बत्ती जल गई है जी अस्मित इंग्लिश इज नॉट अबाउट क्रैमिंग इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग चलिए स्वाद आ गया आगे बढ़ो अब तो देखो अब यहां पे बड़े से बड़े शब्द मैं वो कैब की तरफ अब शिफ्ट कर रहा हूं क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है शीट सॉल्व नहीं हो पाएगी कोई बात नहीं कोई जल्दबाजी नहीं है जनरली आज की क्लास में मैं शीट सॉल्व कराता हूं लेकिन मुझे आज इस वाले बैच में मैंने अप्रोच चेंज किया मैंने कहा यार थोड़ी बात करेंगे पहले हैं बच्चों नहीं तो क्वेश्चन देख के बच्चे और डर जाते हो माई गॉड अब आपके हालात तो मुझे पता ही है इसीलिए हर बैच में चीजें बदलती हैं थोड़ी सी आओ अब दूसरे डिपार्टमेंट पे चलते हैं वो कैब वो कैब में जैसे मैंने आपसे कहा कि दो तरह के चैलेंज हैं एक तो मेमोराइजेशन वाली दिक्कत है कि हाउ टू तो मेमोराइज वर्ड तो एक तो चैलेंज मेमोराइज़ वाली है और दूसरे जो चैलेंज है वो है यूसेस का प्रयोग का अब जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चंस अभी दिए आज की क्लास में इसमें कोई मैंने वही कहा कि ये तो एम लेवल का क्वेश्चन था कहने का मतलब कि एक ही मूल शब्द था बस ग्रामर में चीजें चेंज हुई एस के एग्जाम ग्रामर इंटेंसिव एग्जाम होते हैं मासी एग्जाम है बैंकिंग के एग्जाम एस के मुकाबले कम स्टूडेंट्स लिखते हैं तो मन में परसेप्शन होता है कि अंग्रेजी बड़ी मुश्किल होती है मैं आपके लिए चीजें आसान कर रहा हूं इसीलिए कोई मुश्किल नहीं होती साल में चौदह पंद्रह नौकरियों की अपॉर्चुनिटी है बेचारा बच्चा इसीलिए भाग जाता है कि ये यह यहां तो अंग्रेजी बड़ी मुश्किल होती है ऐसा नहीं है इट्स ऑल अबाउट अप्रोच तो हर एक डिपार्टमेंट की कमियां पहले पहचाने पहली दिक्कत है याद रखने की तो देखो आप अब किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी आपसे किसी शब्द का मतलब नहीं पूछता है पहले तो यह बात हिंदी मीनिंग कोई पूछ रहा है आपसे नहीं तो एक तो तत्काल प्रभाव से अंग्रेजी के शब्दों की हिंदी मीनिंग को रटना बंद कर दीजिए यह पहला काम आपको वो में करना है क्योंकि तो ना कोई पूछ रहा है ना उसका कोई फायदा है वो बैरियर और बनता है हमारे पास कूड़ा कचरा पहले से ही ऑलरेडी बहुत है तो क्यों और कूड़े कचरे को जमा करें मेहनत मुझे करनी पड़ेगी मैं सफाई कर्मचारी हूँ आपका सामूहिक दिर धीरे धीरे के कचरा साफ करूंगा हर क्लास में आपको कुछ नए कचरे साफ होते हुए दिखाई देंगे तो वो कैब में हिंदी मीनिंग हमें नहीं रटनी है डिक्शनरी जब भी देखनी है तो एक शब्द के साथ जितनी डिटेलिंग है जैसे एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं अब मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दू यहां पर वो कैब के हवाले से अब जैसे ये शब्द मैं यहां लिखता हूं फाउंडर फाउंडर शब्द नाउन भी है और फाउंडर शब्द वर्ब भी है लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि फाउंडर नाउन का मतलब इस क्लास में बैठे सभी लोगों को पता है लेकिन फाउंडर वर्ब भी होता है यह संख्या ड्रास्टिकली डाउन आएगी और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ पांच परसेंट लोग शायद बता पाए कि फाउंडर वर्ब है वैसे ये भी बड़ा नंबर है अपनी क्लासेस का तो अंदाजा है ही ऑनलाइन में नहीं अंदाजा लगता है लेकिन ऑफलाइन में तो तुरंत लग जाता है बच्चों से बातचीत करके कहां से आ रहे हैं क्या लेवल है बट मैं फिर भी थोड़ा लिबरल होकर पांच परसेंट बोल रहा हूं पंचानवे परसेंट को नहीं पता कि फाउंडर वर्ब के तौर पर क्या मतलब है हा या ना बताओ मुझे हाँ या ना फाउंडर वर्ब भी होता है कितने लोगों को आज तक पता था या नहीं पता था पता है कि नहीं पता है आपको जो मैं कह रहा हूं बात सही है कि नहीं है तो अब जैसे फाउंडर संस्थापक होता है कि भाई इस कंपनी का कौन फाउंडर है इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन फाउंडर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे वो हम सबको पता है इसका मतलब संस्थापक होता है बट फाउंडर वर्ब भी है ये नहीं पता और ये मुझे पता है कि आपको नहीं पता मैं जो शीट्स बनाता हूं जो क्वेश्चन अरेंज करता हूं जो सेट करता हूं ऐसे ही एग्जामिनर भी करेगा एग्जामिनर आपके साइको वो साइको एनालिसिस को अप्लाई करते हैं पेपर बनाने में उनको पता होता है टारगेट ऑडियंस की औकात क्या है अब जैसे मैं एक शब्द और दूं आपको यहां पे लैटीट्यूड लैटीट्यूड अब मैं आपसे पूछूं लैटीट्यूड शब्द तो खैर नाउन है कोई दिक्कत नहीं है बस इस लैटीट्यूड के दो मतलब हैं एक मतलब होती है अक्षांश रेखा जो सबको पता है लेट लॉन्ग जिसको कहते हैं बट लैटीट्यूड का एक और मतलब है जिसका मतलब होता है टू गिव कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट आर थिंग द वे दैट पर्सन विशेस हिंदी में बता देता हूं तो ूड का मतलब होता है किसी इंसान को पूरी तरीके से ये स्वतंत्रता दे देना कि वो जिस तरह से चाहे वो सोच सकता है या कर सकता है जैसे कहा जाए कि भाई हिज 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 पेरेंट्स गिवन गिवन हिम टू चूज करियर समथिंग लाइक दैट इसका मतलब क्या है? कि उसके पेरेंट्स ने उसको अपना करियर पार्ट डिसाइड करने के लिए चूज करने के लिए पूरी फ्रीडम दे दी अब ये मतलब अगेन 99 परसेंट को नहीं पता होगा कोई क्लास में मान लो अज्यूम करने के लिए केस के लिए अगर सौ बच्चा बैठा हो ना तो एक बच्चे को अगर पता हो लेटिट्यूड का यह भी मतलब होता है तो फिर कमाल की बात हो सकती है निन्यानवे को नहीं पता होगा और ये सब आप मेरे साथ क्वेश्चंस में करोगे क्लासेस में सीखोगे तो आप उस भीड़ से तुरंत एक अलग लेवल पे आ जाओगे तुरंत ही एक अलग लेवल पे आप पहुंचोगे वैसे ही फाउंडर का वर्ब के तौर पे मतलब होता है असफल हो जाना कि वॉट ये, ये नाव के डूबने के लिए भी इस्तेमाल भाई नाव भी अगर डूब गई जैसे जिंदगी डूब गई कोई इंसान की मेहनत डूब गई तो असफल होना नाव डूब जाना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसी के लिए इस्तेमाल होता है ही फाउंडर्ड फाउंडर्ड आपको मिलेगा तो आपके कान खड़े हो जाएंगे यार फाउंडर में तो नाउन होता संस्थापक जो फाउंड करे किसी चीज को वो फाउंडर है जैसे जो प्ले करे वो प्लेयर है जो सिंग करे वो सिंगर है वैसे जो फाउंड करे स्थापित करे वो फाउंडर है लेकिन फाउंडर वर्व भी था आपको पता ही नहीं है तो ये चीजें जो हैं या एक आप शब्द पढ़ते हो अक्ट ये प्रोनाउन में पढ़ते हैं अब अक्विट का मतलब ये सभी को पता है कि अक्विट का मतलब होता है बरी कर देना ये आरोप लगा था आज तक तो कोर्ट ने अक्विट कर दिया यानी आरोपों से मुक्त कर दिया उनको एब्जॉल्व कर दिया एग्जोनरेट कर दिया बहुत सारे शब्द हैं ये मतलब अगेन पता है लोगों को सबको पता है हिंदी बोलने में भी हम इस्तेमाल करते हैं कोर्ट ने अक्विट कर दिया बरी कर दिया बट अक्विट का मतलब ये भी होता है टू तो बिहेव इन अ सर्टेन मैनर दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू ये खैर प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ते हैं आप अगर आपने कभी भी अंग्रेजी की तैयारी करी है

acquitted themselves in the service of common men in the unprecedented times of covid 19 यानी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया तो इसीलिए देखो मेडिकल प्रोफेशनल्स प्लुरल है तो acquitted के बाद आ गया themselves यहां acquit का मतलब बरी करना नहीं है तो हम ये जो तो तुक्के मार पढ़ाई करते हैं वो कैब के अंदर भी कि हिंदी मीनिंग रट लो किसी भी ऐप से पढ़ लो क्यों कर रहे हो भाई द हिंदू का कितना पीडीएफ चलता रहता है लोगों को लगता है क्या बात है पीडीएफ इकट्ठा हो गया पीडीएफ इकट्ठा करने से ज्ञान बढ़ेगा क्या हैं सामने वाले ने किसी डिक्शनरी से उठा उठा के शब्द वहां चेप दिए दो दो शब्द लिख करके एक एक वर्ड के मैं यहां तो एक वर्ड में बता भी नहीं पा रहा हूं इंग्लिश बोलने में भी पूरा लाइन बोलना पड़ रहा है अक्विड का मतलब टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू और उसके लिए वो हिंदी का एक शब्द लिख देंगे आपको लगेगा आपको अक्विड का मतलब पता लग गया तो अपने पैर पे आगे से कुल्हाड़ी नहीं मारनी हमें और हम बहुत लकी जनरेशन के लोग हैं कि सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी डॉट कॉम मोबाइल पर डालो खुल जाएगी ना वेबसाइट कैम्ब्रिज डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है मैकमिलस है मेरियम वेबस्टर है कॉलिस्स है दो से तीन डिक्शनरीज में एक वर्ड को देखोगे प्रकांड पंडित हो जाओगे आप आप इस भीड़ में जो तैयारी वाली भीड़ है ना उससे टॉप फाइव में आप पहुंच जाओगे तुरंत जिन बच्चों की मुझसे मुलाकात होती है वो तो बदल ही जाते हैं तुरंत फिर उनका अप्रोच बदल जाता है उनको लगता है यार कुछ भी नहीं रटना है अब तो थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी शुरू की एक दो महीने की मेहनत उसके बाद वो आदत में शुमार हो जाएगा आपके शुरू में मेहनत लगती है बाद में तो आदत पड़ी जाती है उस चीज की कि अब मैं हल्का नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा एक इंसान के तौर पर सॉलिड बनना है तो अगर एक डिक्शनरी के को मैं आप एक वर्ड ढूंढ रहे हैं उसमें लिखा भी होता है ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है वर्ब है कई बार एक ही वर्ड कई तरह के प्रोफाइल्स होल्ड करता है वो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है वो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ठीक है अब जैसे एक शब्द है आर ओ यू जी ई प्रोनाउंसिएशन इसकी रूज है राउज नहीं है वो आर ओ यू ई होता है अब रूज आपका नाउन भी है वर्ब भी है एडजेक्टिव भी है ये तीनों तौर पे ये वर्ड इस्तेमाल हो जाता है अब इसका इस्तेमाल किस तरीके का होता है वो जैसे मेकअप में जो लाली नहीं गालों पे लगाई जाती है गर्ल्स के ही मेकअप में लगती है सकता बॉयज के भी लगती हो थिएटर नाटक वाटक में तो उस लाली को रूस कहते हैं तो है। तो है, तो मतलब जो वाइन रेड कलर का होता है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा और रूस वर्ब भी है कि, कि किसी चीज को एक रेडिस कलर देना तो अब देखो यहां तीन अलग अलग प्रोफाइल्स हुए बट तीनों का मतलब बिल्कुल सिमिलैरिटी के साथ है कि सब लाली के साथ ही जुड़ा हुआ है कई तो बार अलग अलग प्रोफाइल्स का मतलब ही। अब देखो, में दोनों नाउन थे नाउन के तौर पर ही मतलब है बट एक अक्षांश रेखा वाले के लिए यूज होता है और दूसरा कंप्लीट फ्रीडम के लिए यूज होता है इतने रंग हैं वो कैब में हमने अपनी जिंदगी बेरंग बना रखी है काम चोरी के चक्कर में पढ़ोगे सुनोगे समझ बढ़ेगी लैंग्वेज को एंजॉय करना शुरू करोगे अच्छे लेवल का कंटेंट समझ समझ आपको आएगा बात समझ आ रही है है तो तो एक एक तो हमें यह काम करना है कि सेंटेंस के साथ जितने ग्रामेटिकल उनको पढ़िए नीचे सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उसको जरूर पढ़िए बिना सेंटेंस में पढ़े आपको वो शब्द समझ नहीं आएगा और ये जो दूसरी समस्या है यूसेज वाली वो जिंदगी भर दूर नहीं होगी आपकी यूसेज हमें एग्जाम में टेस्ट करते हैं

तब वो शब्द आपको जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि अब उस वर्ड के साथ आपके दिमाग ने एक कनेक्शन भी बना लिया है एसोसिएशन बना लिया है उसके बाद हमें बात ध्यान में रहती है इसीलिए हमें कल की बात भूल जाएगी और दस साल पुरानी बात याद रहती क्योंकि दस साल पुरानी पंद्रह साल पुरानी बचपन में हम जिंदगी में बहुत इंटेंस होते हैं जहां होते हैं वहां पूरी तरीके से होते हैं जब जवानी आती तो हमारी आदत बन जाती है ये एबसकॉन्ट रहने की जहां है वहीं नहीं रहेंगे बाकी हर जगह रहेंगे वहां होने का नाटक करेंगे जैसे स्कूल के दिनों में क्लास में बैठे तो हैं दिल दिमाग कहीं और और टीचर के साथ नैनाचार हो जाते थे जब आंखें मिल जाती थी जबरदस्ती गर्दन हिलाते थे हाँ सर बिल्कुल मैं तो ध्यान से ही क्लास सुन रहा हूं हमारी जिंदगी ऐसी हो रखी है जवानी में तो होता क्या है कि क्योंकि एब्सकॉन्ट माइंडेड जहां है वहां है नहीं तो उस चक्कर में आप जब जहां हो वहां पूरी तरीके से हो ही नहीं तो जो वहां हो रहा है वो पूरी तरीके से कनेक्ट कैसे होगा दिमाग में इसीलिए जिंदगी आपको अभी बड़ी अधूरी अधूरी खाली खाली सी लगती है लगता है यार सब कुछ होते हुए पता नहीं क्या है मुझे तो लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं कैसे कमेंट करते हो पे सर मुझे तो कुछ नहीं आता लिखने से पहले हाथ नहीं हैं हमारे पांचवी पांच साल के हो सात साल के हो ऐसे कैसे कह सकते हो तो मुझे कुछ नहीं आता वो बच्चे को ज्यादा आता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो आजकल आप यहां ग्रेजुएशन तो कम से कम कर रहे होंगे क्लास में बैठे हैं तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन पर होंगे या ग्रेजुएट होंगे परिचय करेगा तो उसकी पता लग जाता है कि वो अपनी नजरों में सन्नाटा है। अब मेरा काम पढ़ाना भी और आपको उठाना भी है आपका दिया बुझा सा लग रहा है बिल्कुल बत्ती जिंदगी में नाटक चल रहे हैं अपना दिया बुझा है बाकी जो दुनिया को चमकार दे रहे हैं सबके सामने नकली मुखौटे लगा लगा के अंदर दिल दर्द में है बाहर खुशियां बिखेर रहे हैं दांत दिखा रहे हैं कब तक दिखाओगे भाई अंदर से अमीरियत लानी है सूरज जब उगता है तो यह नहीं कहता कि मैं उग गया आओ प्रकाश ले लो तो आपको भी करना है ना नाम रोशन अपना परिवार का समाज का देश का पहले अपना रोशन हो जाए बाकी रोशन हो ही जाएगा खुद अपना दिया बुझाए रोशन करने में लगे बाहर उसमें बड़ी एफर्ट लगती है मेहनत लगती है वही मेहनत अपने को बेहतर करने में लगा लो जब आपका भी दिया जलेगा प्रकाश पहुंच ही जाएगा घर परिवार सब सुखी हो जाएंगे वही इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि सूरज ये नहीं कहता आओ मैं जग गया आओ प्रकाश ले लो जगोगे तो प्रकाश मिलेगा ही रुकेगा कैसे वो वो तो बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस है और हमने छोटी सी चीज को जिंदगी में इतना बड़ा बना रखा है कि हमसे नहीं होगा बहुत मुश्किल है ये है वो यार पढ़ाई की चीज है कौन सा रिसर्च करना है यहाँ पे अरे बचपन में जो चीजें पढ़ी है वहां रटा था यहाँ समझना है समझ करके नौकरी लो जिंदगी में आगे बढ़ो क्लर्क सेलेक्ट हो तो पीओ के लिए काम करो पीओ सेलेक्ट हो तो, आ, भी पूरा लैडर है, आपका। इतनी है। बनो, बैंक इंडिया के। कौन मना कर रहा है यही तैयारी देगी आपको और कुछ नहीं देगा लेकिन अप्रोच की क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए तो चलिए साहब यहां पे बात हम वही कर रहे थे कि फोकस जो है हमारा याद करने पे याद करने के मेथड्स का डिस्कशन मैं करूंगा वो कैब प्राइमर में रूट वर्ड मेथड से आपने अभी देखा मिजो हेट वर्ड था गाइनी रूट वर्ड था वहीं से शब्द बनते चले जाते हैं आप नहीं जानते हैं मुझे पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी वकैब की क्लासेस मेरी अवेलेबल हैं वो स्पेशल बैचेज आते हैं एक एक रूट वर्ड से डेढ़ डेढ़ सौ शब्द किए हैं और अभी भी बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए वी अवेलेबल है तो जिसकी वो ज़्यादा गड़बड़ है ना आप वो ले सकते हो चालीस घंटे का सिर्फ वो का कोर्स है तो VOD वाले सेक्शन में वो कैब डीआई और पजल ये तीनों एरियाज जो कि बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन तीनों की 40 40 40 घंटे की क्लास यानी टोटल 120 घंटे की क्लास वीओडी के फॉर्म में अवेलेबल है तो जाहिर तौर पर वो मेंस के लेवल के लिए था दिसंबर में हम वो बैच लेके आए थे जब एग्जाम चल रहे थे लेकिन वो सभी के लिए बहुत सहूलियत देगा आपको जैसे मैथ्स में डीआई का पोर्शन इंपॉर्टेंट है पजल इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में और वो कैब की समझ तो आपको चाहिए चाहिए इतनी समझ आपको आई गई इतनी बातचीत से तो इन तीनों एरियाज का कंबाइंड कोर्स अवेलेबल है सिर्फ ट्रिपल नाइन में आई थिंक या नाइन में इतना ज्ञान तो वहां वो भी आप ले सकते हो आपके लिए भी एक वैल्यू एडिशन होगी वो परफॉर्मेंस बूस्टर बैच है और ये तो आपका एक कंप्लीट बैच है तो खैर अब बात भी आती है कॉम्प्रिहेंशन की जिसे मैंने कहा कि जब ये दोनों एरियाज बेहतर होंगे ना तो अपने आप आपको चीजों चीजें समझ में आने लगेंगी बड़े से बड़े सेंटेंसेस आपको समझ में आने लगेंगे जरा एक लंबा सा सेंटेंस लिखूं मैं अभी देखना कॉम्प्रिहेंशन का एक छोटा सा सेंटेंस छोड़ के जाता हूँ आपको इस पर सवाल कल कर लेंगे हम ये एक छोटा सा सेंटेंस है बस पैराग्राफ तो नहीं बोलोगे ना एक सेंटेंस एक बार तो बीच में कॉमा लगा है इफ यू डिनाइड दैट आई एम येट टू रीड दिस नॉवेल कहां से आ गया आई एम येट टू रीड दिस नॉवेल देन आई वुड बी इनक्लाइन टू डिसमिस एनी क्लेम दैट यू आर रिलेक्टेंट टू द दुथ अब ये एक सेंटेंस है इसको कॉम्प्रीहेंड करना है समझना है और उस कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे एक सवाल का जवाब देना है डिड आई डिड आई रीड द नावल डिड आई रीड द नॉवेल और डेफिनेटली सवाल का जवाब ये या नो में होगा अब आपके लिए ये भी एक टेस्ट है इसका डेफिनेटली आंसर आज तो नहीं हो पाएगा टाइम इज अपट ये आपके लिए एक चैलेंज है यार ये सामने वाला आदमी हमें एक सेंटेंस लिख करके हमें चैलेंज दे तो रहा है तुम्हें पल्ले पड़ रहा है ये और देखो आप कॉम्प्रिहेंशन है अंडरस्टैंडिंग भाई ये छोटी सी लाइन समझ में आएगी तभी तो जवाब दोगे हा या ना में मैं कोई और सवाल पूछ ही नहीं रहा बड़ी गहराई वाली कोई मेन आइडिया बताओ सुटेबल टाइटल बताओ मैं सेंटेंस पढ़ के आपकी समझ टेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या कॉन्फिडेंट हैं हाँ या ना का जवाब देने में नहीं है कॉन्फिडेंट पता है मुझे ये कैट के जमाने से कॉम्प्रिहेंशन के इंट्रो में मैं एक सेंटेंस दिया करता था और वो टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस उनको भी दिक्कत होती थी कि भाई और मैं यही बात समझाने की कोशिश करता था कि अभी छोड़ दो वो लंबे लंबे पैसेज और पैराग्राफ मैं आपको एक लाइन से छेड़ सकता हूं एक सेंटेंस से छेड़ सकता हूं और फिर आप क्या कहते हो सर नहीं समझ नहीं आती सर अंग्रेजी क्योंकि वो सर नहीं है ना पता मैं वो भी बता देता हूं आपको आपको तब तो भी नहीं समझ में आएगा तब वैसे सारे आसान है यहां पर डिनाई इनकार करना होता है बाकी तो कोई शब्द मुश्किल नहीं खारिज करना होता है डिसमिस और आप का मतलब होता है छुपाना टू हाइट ये होता है रिलक्टेंट तो यार रिलक्टेंस तो फिजिक्स में भी पड़ी होगी बचपन में भी रिलक्टेंस नाउन हो गया रिलक्टेंट एडजेक्टिव हो गया नहीं याद आ रहा तो बता दूं अगर किसी चीज के लिए आप Reluctant हैं, तो इसका मतलब वो चीज आप नहीं चाहते हैं आप उस चीज के लिए अनविलिंग हैं इसके अलावा तो कोई ऐसा शब्द नहीं जिसका मतलब आपको ना पता हो लेकिन अब आप खुद से पूछो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर और वो कैब अगर पता होगी तो अच्छे लेवल की कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगी इसीलिए दुनिया के सारे टॉप लेवल जो भी एग्जाम्स हैं जैसे कैट का पूरा पेपर एग्जाम है पूरा सारे क्वेश्चन टाइप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ पैराग्राफ खेलते हैं आपका भी पेपर पैराग्राफ पैराग्राफ है आप आगे देखोगे RC तो पैराग्राफ होती ग्रामरी पैराग्राफ में पूछ लेते हैं फिलर पैराग्राफ आई है, है तो आपकी भी रीडिंग आप इसीलिए क्योंकि वहां पर सब कुछ अपने आप टेस्ट हो जाएगा तो यहां वो कैब के बाद भी आपको मतलब निकालने में दिक्कत हो रही तो कल की क्लास में आप थोड़ा क्रिटिकल रीडिंग का भी स्वाद चखेंगे कि कैसे एक आसान सी बात को मुश्किल बनाया जाता है कैसे एक आसान सी बात को मैंने यहाँ थोड़ा मुश्किल बना के लिखा है और आपका दिमाग इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा तो कल ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप सीखोगे कल की क्लास की शुरुआत यहाँ से होगी और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस बैच में ओरिएंटेशन में ही दो तरह के हो गए आज तो ज्ञान का सेशन था आई होप यू मस्ट हैव इंजॉयड और कल देखिए सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार रखे हैं बैंकिंग लेवल के तो ये प्रैक्टिस करेंगे हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चन भी कल सॉल्व होंगे इनका एक अलग मजा आपको मिलेगा कल ठीक है तो चलिए दैट सॉल्व एंड प्लीज डू इनफॉर्म पीपल अबाउट दिस बैच जो भी घायल है अपनी तैयारी से पढ़ाई कितने घायल हैं तो देखा ही आपने और इसीलिए मैं आपको तंदुरुस्त बना रहा हूं भाषा के ये जो इंग्लिश का एरिया लैंग्वेज का एरिया यहाँ पे आप चीजों को बेहतर करें ठीक है तो मिलते हैं कल और कल इसके आगे प्रोसीड करेंगे थैंक यू वेरी मच एवरीवन एक बार मैं सिलेबस की पहले बात कर लूं या इंग्लिश के इंपॉर्टेंस की बात कर लूं अपने सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को जरा समझ लीजिए आप कि एक बैंकर बनने के लिए एक बैंकर बनने के लिए इंग्लिश के जो एरिया है या जिसको आप कहते हो या आपको कहना चाहिए अगर नहीं कहते हो उसको कहते हैं वर्बल एबिलिटी वर्बल एबिलिटी वर्बल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स एबिलिटी का मतलब योग्यता यानी आप शब्दों के साथ कितने योग्य हैं ये ये एग्जाम टेस्ट करते हैं सबसे पहली बात कि एक मैनेजीरियल एग्जाम है आप बैंक मैनेजर बनते हो आगे जा करके तो जितने तरह के मैनेजीरियल ट्रेट्स होने चाहिए एक इंसान के अंदर वो सब इस एग्जाम के जरिए टेस्ट किए जाते हैं अब मैनेजर कौन होता है भाई जिसके पास जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़े समझे उसमें से काम की बात निकाले निचोड़ निकाले एंड अप्लाई दोज रिलेवेंट स्टफ इन अ प्रेसराइज सिचुएशन एंड गेट द प्रॉफिटेबल रिजल्ट फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बैंक समथिंग लाइक दैट वो चीजें यहां पे आपको टेस्ट करी जाती हैं तो इसीलिए आप अगर देखें सर तो आशीष सर मैथ्स के सिलेबस आपको बताएंगे ही लेकिन आप देखोगे तो डीआई का जो एरिया है डेटा इंटरप्रिटेशन का एरिया है मेंस में उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं यानी इंग्लिश का जब हम रोल की बात करते हैं कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है क्या रोल है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर तो वह आपको नजर आ रहा है कि वो सिर्फ इंग्लिश के एरिया तक ही सीमित नहीं है अगर आपकी इंग्लिश की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कमजोर है तो डेफिनेटली आप यहां बेहतर करेंगे ही लेकिन इन दोनों स्किल्स का इस्तेमाल आपके मैथ्स के वाले पोर्शन में भी और रीजनिंग में भी क्योंकि जैसे एस के पेपर से थोड़ा जो चेंज यहां देखने को आपको मिलता है वो ये दिखाई देता कि है कि डी जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और उसमें होता क्या है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अ पैराग्राफ यू नीड टू रीड दैट इन्फॉर्मेशन राइट एंड दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन इन डिफरेंट फॉर्मैट्स लाइक बार ग्राफ पाई चार्ट अलग अलग तरीके से वो दिया होता है आपको पढ़ना है समझना है फिर वो जो क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है उनको आंसर करना है यानी वही मैनेजर वाला काम करना है कि भाई खूब सारे डेटा में से काम की बात निकालो और जो जरूरी है उसको आंसर करो रीजनिंग में आप देखते हो वहां पे पजल्स हैं आपके पास राइट right? सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के जो क्वेश्चन हैं वो लेंदी लेंदी होते हैं अगेन वहाँ पे पजल्स की अगर बात की जाए तो आपको एक लंबा पैराग्राफ रीड करना पड़ता है ये बात जरूर है कि ठीक है पेपर में तो हिंदी में भी आ जाता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैथ्स का जो है सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन मिलता है बट अगर अंग्रेजी में हमारी समझ बेहतर हो रही है तो वो अच्छी बात है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको इंटरव्यू का सामना करना है जैसे आपने देखा है और इंटरव्यू में मान लीजिए जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी अंग्रेजी पे कमांड बेहतर है उनके पास कंटेंट अच्छा है देर कम्युनिकेशन अबिलिटी इज एक्सलेंट सो वहां पे ऐसे केसेस के अंदर आप थोड़ा सा क्या फील करोगे डिफिडेंट फील करोगे तो ऐसी बहुत सारी आ, मतलब केसेस देखने को मिलते हैं मैं इसीलिए पहली क्लास में सारी बातें बता रहा हूं अप्रोच तैयारी कैसे करनी है एवरीथिंग कि आपको क्लैरिटी रहे कई बार स्टूडेंट्स प्री क्लियर कर लिया मेन्स क्लियर कर लिया इंटरव्यू के बाद छंट जाते हैं या एस बी आई पी ओ का प्री मेन्स क्लियर हो गया पहले अटेम्प्ट में जी डी इंटरव्यू के बाद छंट गए वो तो कारण ये है कि जब उस लेवल पे आप पहुंचते हो अब आपने अगर इस तैयारी के दौरान अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव नहीं किया अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी को पे काम नहीं किया आ, तो आपको क्या लगता है कि मेंस क्लियर करने के बाद जो है आ, आप अचानक से तैयार हो जाओगे आपके पास कंटेंट भी आ जाएगा कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाएगी नहीं तो इन चीजों के बारे में भी मैं बीच बीच में आपको गाइड करता रहूंगा कि किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी बेहतर हो कंटेंट कैसे आप क्रिएट कर पाए या कंटेंट किस तरीके से इन चार पांच महीनों के दौरान आप इकट्ठा करें किन किन सोर्सेज से पढ़ें क्या क्या पढ़ें आई विल गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी दैट इज रेलिवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स ठीक है तो अब जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आपको पता है स्टेज वन में प्री का पेपर है अभी एक भाई पूछ रहे थे सर क्या ये जो है ये प्री आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है बिल्कुल स्टेज वन आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ठीक है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है यहाँ पे आपके पास हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं तीस क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होते हैं पैंतीस पैंतीस रीजनिंग और क्वांट से आपको देखने को मिलते हैं वहां पे ठीक है so, सो ये पूरा का पूरा पेपर जो है आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो इंग्लिश यहां पे भी है अब आप जब स्टेज टू की बात करते हो स्टेज टू की जब आप बात करते हैं तो यहां पे क्या देखने को मिलता है यहां ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पेपर भी हो जाता है अब आप एसएससी के एग्जाम में देखते हो कि एसएससी में जो आपका सब्जेक्टिव पेपर यानी सब्जेक्टिव का मतलब जहां आपको एसे लिखने होते हैं लेटर लिखना होता है ये सारा स्टेज जो है प्रेसी लिखनी है ये तीन ही चीजें पूछी जाती हैं तो ये तीसरे स्टेज में आता है लेकिन बैंकिंग एग्जाम के अंदर जब आप मेन्स का पेपर लिखने जाते हैं तो ये पांचों एरिया जो है हमारे यानी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग Uh, आपका बैंकिंग अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस करंट अफेयर्स का एरिया और जो आपका कंप्यूटर बेसिक इनके तो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं इन पांचों एरियाज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा लेकिन उसी दिन आपका इंग्लिश में ही सब्जेक्टिव टेस्ट होना होता है इसका मतलब दूसरे चरण में सेकेंड स्टेज में ही आपको यहाँ पे लेटर uh, और ऐसे ये लिखने को कहा जाता है उसी दिन तो कहने का क्या मतलब है देखो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव uh, पेपर में कई बार आपकी गाड़ी आगे निकल सकती है तो कैसे भी सही हो सकती हैं चीजें लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव राइटिंग यानी सब जब सब्जेक्टिव क्यों कहा कह रहा हूं मैं इस बात को भी समझो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव शब्द का फर्क भी समझे आप सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है अब जैसे यहां पे इतने सारे कैंडिडेट हैं आपने मैसेज किया मान लो आप में से दस लोगों को मैंने यह कहूं कि अगले दस मिनट में आप इस एक टॉपिक पे ऐसे लिखिए अब दस मिनट के बाद मैंने आप सभी से आपका ऐसे ले लिया अब आपने उस ऐसे में जो लिखा है जिस तरह का आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आपकी वो कैब च्वाइस है जिस लेवल का आपका कॉन्टेंट है कंटेंट में सिर्फ ओपिनियन है या उसके साथ डेटा फैक्ट फिगर्स भी हैं उस ओपिनियन को सबस्टेंशिएट करने के लिए वो देख करके मुझे ये पता लग जाएगा कि ये दस कैंडिडेट किस बैकग्राउंड से आते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है क्या लेवल है राइट right? कितना इनका एक्सपोजर लेवल है ये लिटरली डाइवर्सिफाइड कंटेंट पढ़ते हैं नहीं पढ़ते इनकी अवेयरनेस का क्या लेवल है आप अपना बहुत सारा परिचय जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं तो दे देते हैं जैसे हम कहते हैं ना जब मुंह खोलते हो अपने बारे में तो बहुत कुछ बता देते हो आप इसीलिए वो लास्ट में जीडी और इंटरव्यू भी कराते हैं क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट से खुश नहीं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो आप शॉर्टकट uh, अप्रोचेज सीख करके कि भाई ये क्वेश्चन कैसे करना है आप भी यहां सीखोगे कि पांच पांच सेकंड में छे छे लाइनों के क्वेश्चन भी आप करेंगे मेरे साथ ही करेंगे कल परसों की अगली क्लासेस में आपको क्योंकि कल की क्लास ओरिएंटेशन क्लास होगी एक जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चन टाइप्स देखेंगे कि कैसे उनको अप्रोच करना है मन में कई बार होता है कि बैंकिंग एग्जाम बड़े मुश्किल है ऐसा कुछ नहीं है इट्स ऑल अबाउट अप्रोच वो आपको प्रेशर क्रिएट करके लंबे लंबे क्वेश्चंस डायरेक्शन देकर डराने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको अगर समझ में आ गई तो बहुत आसानी से आप खेल जाओगे कोई मुश्किल वहां पे नहीं आती बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप तो Uh, मैं जब सब्जेक्टिव टेस्टिंग वही वहां पे आप तभी आपकी uh, आप वहां पे सफल हो सकते जब आपकी राइटिंग शुद्ध है तो सबसे पहले ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए मैंने वही कहा कि अब मान लो आपके पेपर के अंदर क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ गया फिलर्स आ गया पैरासिम्बल्स आ गया आर्ड वन आउट आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया ग्रामर का पांच क्वेश्चन आया आपका सेट बैठ गया चार सही भी हो गए आपके लेकिन अब यू आर सपोज टू राइट अ पैराग्राफ ऑफ फाइव वर्ड्स एंड इफ यू आर कमिटिंग यू नो सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो लेवल आपका पार नहीं होगा हम वहां पे कोई यूपीएससी वाले ऐसे की उम्मीद नहीं कर रहे कि कंटेंट का लेवल बड़ा बेसिक उम्मीद सिर्फ यही है कि कम से कम शब्दों की स्पेलिंग सही हो आपके ये पहली वो रिक्वायरमेंट और दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके सही हो तो वो तभी होते हैं जब आपकी ग्रामर के बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर हैं अभी एक भाई का यहाँ पे कमेंट था सर ग्रामर को ग्रामर पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है देखो जिस तरीके से एस के अंदर बहुत क्लैरिटी से आपको पता है कि बीस क्वेश्चन एयर डिटेक्शन के हैं बीस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं हैंशन uh, के हैं नरेशन के आपके सत्ताईस क्वेश्चन हैं यानी दो सौ में से ये जो आपके एटी सेवन नाइनटी क्वेश्चन है डायरेक्टली ग्रामर के ज्ञान के ऊपर आधारित हैं बट बैंकिंग के अंदर ये कोई निश्चित नहीं होता कि आपके सेट में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं या ना आए हो सकता है एक दिन में तीन शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है पहले शिफ्ट में ग्रामर से क्वेश्चन आया पांच तीस में से दूसरे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया तो कई बार बच्चे ये भी मन में होती कि यार, exams, ये माना जाएगा कि अब बेसिक ग्रामर तो इसको आती होगी लेकिन फिर भी आप यहां पे पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ेंगे मेरे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स इवन पिछले बैच में भी मैंने कुछ पंद्रह अठारह क्लासेस जो है वो ग्रामर को दी इतनी ग्रामर बैंकिंग बैचेस में नहीं पढ़ाई जाती और अगेन मैं सिर्फ हंड्रेड इंपॉर्टेंट रूल्स और डेढ़ सौ इम्पोर्टेंट रूल वाले क्लासेस नहीं लेता आई डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी सिलेबस के एरिया में आऊंगा तो आपको बताऊंगा तो आप परेशान मत होइए ये कहेंगे नहीं सर ग्रामर तो आती नहीं क्यों पढ़ रहे हैं अरे आप खुद ही सोच लो अपने आप से पूछो ये अगर आप ढंग से ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर सही नहीं होगी सारी तैयारी के बाद आपका मामला जो है वो एक साल डेढ़ साल आगे खिसक जाएगा और अगले अटेम्प्ट में फिर हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती तो हम तैयारी शुरू से ही कंप्लीट करेंगे कि किसी लेवल पे कहीं कोई रुकावट ना आए आप जो अगर आपको कहा जाए कि पैराग्राफ लिखो आप 500 वर्ड्स का यू शुड फील कॉन्फिडेंट दैट आई एम नॉट गोइंग टू कमिट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आई एम एबसल्यूटली कंफर्टेबल इन पुटिंग फॉरवर्ड माई आइडिया इन इंग्लिश करेक्टली वट एवर आई आइडिया आई हैव इन माई माइंड इन माई मदर टंग मैं वो पांचवी क्लास वाले बच्चे की तरह काउ के ऊपर निबंध नहीं लिखूंगा कई बार ऐसे देखने को मिला ऑफलाइन क्लासेस में अब तो खैर जमाने हो गया ऑफलाइन में ऑनलाइन ही चल रहा है बट कई बार इंजीनियर्स हैं ग्रेजुएट्स हैं एम बी एस हैं उनकी अगर टेस्टिंग करो तो उनके सेंटेंसेज इतने मतलब आ, क्या कहा जाए इतने सिंपल इतने सिंपल सेंटेंसेज और बार बार रेपिटिशन कोई प्रोनाउन का ही ही का चार बार रेपिटिशन कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं आता कि सेंटेंस को कैसे अच्छा बनाए तो फिर उनकी गाड़ी जाकर के वहां रुक जाती है तो ये इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है ठीक है और तीसरा जो पड़ाव है हमारा थर्ड स्टेज और मैंने आपको यह भी बता दिया यहां पे कि देखो इस पूरी तैयारी के अंदर ऐसा नहीं कि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश तक सीमित है अगर आपकी इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है आप तेजी से इंफॉर्मेशन पढ़ पाते हैं आपकी मेंटल स्टेमिना इस लेवल की है कि पढ़ के समझ पा रहे हो तो उसका फायदा आपको बाकी के जो एरियाज हैं वहां पर भी मिलेगा चाहे वो मैथ से या रीजनिंग है क्योंकि वहां पर भी पैराग्राफ आपको मिलते हैं क्वेश्चन के अंदर अब जो तीसरा स्टेज है हमारा Uh, आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू पीआई इस लेवल पे अगेन इंग्लिश का रोल है राइट right? आपको पता ही है कि भाई ग्रुप डिस्कशन में uh, कई बार कंपलसन तो नहीं होती कि इंग्लिश में ही बोलना है चॉइसेस भी आ, आपके पास होती हैं बट अगर मान लीजिए आपके साथ जो कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं और उनमें से चार कैंडिडेट अंग्रेजी अच्छी बोल रहे हैं उनके पास कंटेंट भी है और उस कंटेंट की उनकी डिलीवरी भी अच्छी है तो फिर आप वहां पे चुप हो जाते हो आपको लगता है यार ना बोलना ही अच्छा है कैसे बोलें प्लस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी तब रहेगी जब आप अपने आप को अवेयर रखते हैं इसीलिए जनरल अवेयरनेस जो है वो बैंकिंग में पूछा ही जाता है बिकॉज वो आदमी कैसे मैनेजर बनेगा जिसको अपने देश में क्या हो रहा है दुनिया में क्या हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज आप बैंकिंग सेक्टर के लिए जा रहे हो और वो बैकबोन सेक्टर है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो पूरा सिस्टम जो है इकोनॉमिक्स जो है बहुत गड़बड़ हो जाती है देश की और जब देश की इकोनॉमिक्स की की बात कर की बात कर रहे यानी हो रही है कंट्री के के तो आप एक बैकबोन सेक्टर का पार्ट बनने के लिए इस बैच में जुड़े आप किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं यू कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज कॉमर्स व्हाट्स एवर आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर के जो बेसिक्स हैं जो उसका रोल है और इसीलिए आप राशिद सर के साथ बैंकिंग अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस सीखेंगे और समझेंगे चीजों को उनका रियल टाइम एप्लीकेशन आप देखोगे तो इस लेवल पे भी लैंग्वेज का सीधा-सीधा रोल आपको नजर आता है ठीक है तो आने वाले क्लासेस में बताऊंगा कि इनके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं क्या पढ़ना है आपको अभी एक भाई पूछ रहे थे कि सर आ, जो है सर आरबी में हिंदी इंग्लिश से कोई भी ले सकते हैं ना प्री में इंग्लिश नहीं आती मेरी इंग्लिश वीक है हां जी बिल्कुल प्रिंस इसीलिए मैंने कहा है आर आरआरबी में आपके पास ये सहूलियत होती है कि आप हिंदी में मतलब भी, में भी पेपर लिख सकते हैं वहां पे इंग्लिश की कोई कंपलसन नहीं है ठीक है और दूसरी बात ये कि उसमें आपको एलपीटी देना पड़ता है लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट देनी पड़ती है जैसे मान लो आप अब गुजरात के ग्रामीण बैंक में काम करना चाहते हो और आपको मिला वो और आप बिलोंग करते हैं लेट से उत्तर प्रदेश से तो गुजराती आपको आती नहीं तो लेकिन बेसिक्स आपको थोड़ी सीखनी पड़ेंगे ना क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको वहाँ के लोगों के साथ ही डील करना है तो अगर आप वहाँ की जो लोकल भाषा है ये ग्रामीण बैंक में एक है कि आप अपने हिंदी भाषी क्षेत्रों में अप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं तो तो ये थोड़ा सा होता है कि कहीं और मिले तो एक बेसिक समझ आपको लैंग्वेज की होनी चाहिए बाकी और कोई दिक्कत नहीं है अंकित सर मैं आपसे 2020 से जानता हूं इसलिए आपसे कनेक्ट करने में देर नहीं लगती रीजनिंग uh, वाले सर से बात कर लीजिए थोड़ा ठीक है ठीक है अंकित बिल्कुल वो भी सर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बेसिक से ही पढ़ाएंगे उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए राइट right? राशि सर को तो आप जानते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है बाकी दो नए सर सर लोगों को मैंने जोड़ा है बैंकिंग में और छः महीने हो गए और आशीष सर के बारे में आपको मैं बता दूं बहुत वो भी दोनों सर लोग बहुत ही सिंपल हम्बल और सीधा कोर्स कंटेंट के साथ कनेक्टेड लोग हैं आपको पता भी नहीं लगेगा दोनों लोगों की महानता के बारे में बट मैं जरूर बता सकता हूं आशीष सर जो हैं वो आई थिंक एट टाइम्स आठ बार कैट के अंदर नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट टाइलर ठीक है थीके? तो आशीष सर से पूछ भी लीजिएगा कि सर सर ने बताया था बताइए हमें थोड़े इसके बारे में 99.9% सर एमडीआई गुड़गांव से एमबीए तो आप देखेंगे देश के टॉप टेन कॉलेज जैसे आई का रुतबा है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई एम अहमदाबाद आई एम बैंगलोर वैसे ही एमडीआई गुड़गांव का भी रुतबा है टॉप टेन कॉलेजेस के देश में छह हजार से ज्यादा कॉलेज हैं और वहां से आते हैं सर और सर भी हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से हैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से और इस लेवल पे अचीव किया हुआ है और आपको पता है कैट जो है ना वो सारे एग्जाम्स का बाप होता है जो एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम है जहां पे आपकी वर्बल स्किल्स क्वांटिटेटिव स्किल्स रीजनिंग स्किल्स टेस्ट की जाती है और आपकी जानकारी के लिए मैं और आशीष सर जो है मैं बैंकिंग एस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं कैट इंडस्ट्री में ही था और हम दोनों जो थे वो टाइम डेली के फैकल्टी हैं ठीक है ठीके? टाइम डेली के फैकल्टी हैं मैं भी और आशीष सर मेरे कलीग थे तो मैं तो 2016 में मैंने टाइम डेली छोड़ दिया था और उसके बाद तो फुल फ्लेजेड बैंकिंग एस इंडस्ट्री में ही आ गया मैं लेकिन सर जो है वो मेरे बाद भी जो है आई थिंक तीन साल चार साल वो कैट इंडस्ट्री में ही थे और टाइम आपको बताया टी डॉट आई डॉट एम डॉट ई डॉट ट्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन आ, देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कैट का इंस्टीट्यूशन है मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे दो स्टूडेंट कैट 15 और कैट 16 दोनों साल में 100 परसेंट टाइलर रहे आप मेरे लिंकड प्रोफाइल पर जाओगे आपको उनका मैसेज भी मिलेगा आप जाकर के प्रोफाइल में देख सकते हैं नाम है अर्चित गर्ग इस समय अमेरिका में बैठे हैं यूएस में है वो वो कैट सिक्सटीन के ऑल इंडिया टॉपर थे हंड्रेड परसेंट आयलर थे वो और वो मेरे बैच के स्टूडेंट थे टाइम डेली में तो आपके और आपकी बार बार सुनते हो कि बैंकिंग एग्जाम जो है वो धीरे दिर धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है मैनेजमेंट एग्जाम्स की तरफ जा रहा है तो एस बी का जो लेवल है वो शायद कैट का जो मॉडरेट लेवल है उस लेवल तक धीरे दिर धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा है और आपके सामने मैथ्स और इंग्लिश में वो दो फैकल्टी हैं जो देश की सबसे मानी संस्था उसके बाद अपने आप मुहर लग जाता है कि आप टाइम डेली ऐसा नहीं किसी छोटे शहर के फ्रेंचाइज़ के फैकल्टीज थे पढ़ाने से पहले हमारी बहुत टेस्टिंग होती है जो लोग टेस्ट करते हैं वो खुद आई के एग्जलराई के सीनियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं जब मैं मेरे पढ़ाने के लिए मैंने अप्लाई किया था मेरी भी टेस्टिंग हुई थी रिटर्न टेस्ट होते हैं कैट के लेवल का पेपर आपको लिखना पड़ता है फिर पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल सीनियर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो खुद आई एम से पढ़े हैं उनके सामने खड़े होकर आप डेमो देते हो दो दो तीन तीन घंटे के हो सवाल पूछते हैं तब क्लास में एंट्री मिलती है और क्लास में ही पढ़ा किन को रहे आई आई टी के स्टूडेंट डी टी यू मैंने पढ़ाया एलिट बैचेज लिए एस आर सी सी मिरांडा हाउस सेंट स्टीफन ये वो कॉलेज है जहां देश के क्रीम बच्चे पढ़ते हैं और उन क्रीम बच्चों को और पॉलिश करके बेहतर बना करके आई एम्स में देश के टॉप और दुनिया के एक लेवल वाले इंस्टीट्यूशन में उनको भेजते हैं और तब आपको न्यूज में सुनाई देता है कि इस बार आई एम अहमदाबाद से पांच बच्चों को डेढ़ करोड़ का दो करोड़ का पैकेज मिला और उनकी उम्र भी वही तेईस साल चौबीस साल बाईस साल हो रही होती ग्रेजुएशन के साथ बच्चे तैयारी शुरू करते हैं कई बारी और निकल लेते हैं तो आपके सामने ये टफेस्ट एग्जाम एशिया लेवल के मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाने वाले फैकल्टीज है अब ये आपके ऊपर है क्योंकि हम ऊपर वाले लेवल से आते हैं जहां से एग्जाम धीरे धीरे पहुंच रहा है ऐसा नहीं कि हम नीचे लेवल पढ़ाते थे पेपर ऊपर हो गया तो फिर आपका तो वो जो कुछ भी यहां आ सकता है वो सारा लेवल पता है हमें इसीलिए कोर्स इतने प्रॉपर तरीके से डिजाइन करते हैं और इसीलिए ये सिलेक्शन का नंबर भी है शिवम जैसा बच्चा आपने इंटरव्यू भी देखा होगा नहीं देखा होगा देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है मेरे भी आर वाई पी पे भी और करियर वेल बैंकिंग एग्जाम्स एग्जाम चैनल पे भी स्टेट बोर्ड का बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ बी ए किया हुआ स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में पता तो है तो ना मैथ्स कमजोर होती है बी वालों की सर मैं तो हिंदी माध्यम से हूँ पहले बार में आई बी पी क्लियर होता है उसका हैदराबाद में नौकरी करते हुए एसबीआई पी लिखता है तुरु की नौकरी में कितना प्रेशर होता है बट इस लेवल के फंडामेंटल्स गया अब उसके पास च्वाइस है उसके पहले ये बहुत सारे और भी जो एग्जाम्स थे वो सब उसके क्लियर थे ही तो कहने का क्या मतलब है कि आपके पास खुद ही च्वाइस होती कि यार चार पांच एग्जाम क्लियर हो गए कौन सा में जाऊं मैं कौन से एग्जाम के साथ मैं जाऊं तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है लेकिन प्रोवाइडेड दैट आप ढंग से पढ़ाई करें हल्के लेवल की मजाकिया लेवल की यहां पे आपकी ईगो को मसाज बिल्कुल नहीं मिलेगा हम पढ़ाएंगे वही जो जरूरी है कोर्स कंप्लीशन का काम नहीं होता तो जितनी जरूरत है आप पढ़ोगे डिटेल्ड मैनर में पढ़ोगे और अनुकूल सर की बात की जाए अगर अनुकूल सर की बात की जाए तो सर जो है मुखर्जी नगर के नॉन फैकल्टी हैं रीजनिंग के दस साल सर का अपना खुद इंस्टीट्यूशन चलता है और ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन सर खुद चलाते हैं मुखर्जी नगर में तो बैंकिंग के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी हैं अनुकूल सर एक्सपर्टीज है तो आप अगर पहली बार मिल रहे हैं तो आप परेशान मत हो जाएगा आप कह रहे हो सर आपके भरोसे आए हैं बिल्कुल वो भरोसा टूटने वाला नहीं है तो टीम इसीलिए टीम अलग से बनाई क्योंकि बैंकिंग के हम क्लास रेगुलरली नहीं लेके आ पाते तब आप देख रहे हो रेगुलरली आपको हर महीने जो है बैचेस मिल रहे हैं वो इसीलिए है कि भाई डेडिकेटेड तरीके से ये एक बड़ा सेगमेंट है स्टूडेंट्स की बड़ी शिकायत होती है सर बैंकिंग की सिर्फ यूडी मिलती है लाइव क्लास नहीं आती तो अब कोई दिक्कत नहीं छह महीने हो गए राइट और इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए तीनों सब्जेक्ट्स में आप मास्टर बनेंगे जो बिल्कुल अपडेटेड कॉन्टेंट है वो आप तक पहुंचेगा ठीक है हाउ डू प्रीपेय फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच लैंग्वेज शुड भी चूज फॉर इंटरव्यू ये सब बातें बाद में थोड़ा करेंगे बाज़ो जरा सिलेबस के ऊपर इंग्लिश का इम्पोर्टेंस आपको समझ आ गया आ, भाई जो पढ़ रहे हो मेरे साथ उसका इंपॉर्टेंस तो पता हो कि क्या करने वाले हैं और किस लेवल पे जाना है आइए जरा सिलेबस की बात फटाफट फड़ कर लेते हैं बैंकिंग स्पेशल बैच सिलेबस देखिए सबसे पहला एरिया हमारा इंग्लिश यूसेस का एरिया है जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के इंग्लिश सेक्शन को एक तरह से एसएससी और जो बाकी हमारे एग्जाम्स हैं उनसे अलग करता है Uh, आपको डेफिनेटली एस एग्जाम में भी मिलते हैं बट आपको पता है पी क्यू आर एस जिसको आप जानते हो उस नाम से uh, लेकिन वहां मैक्सिमम चार स्टेटमेंट को ही आपको अरेंज करना पड़ता है बैंकिंग के अंदर चार स्टेटमेंट से लेकर के आठ स्टेटमेंट तक के क्वेश्चन आपको पैराजम्बल्स में मिल सकते हैं लाइक देर आर एट सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ दे आर गिवेन इन जम्बल्ड फैशन आगे पीछे करके वो देंगे एंड यू आर सपोज टू अनजम्बल देम एंड मेक अ मेकअ पैराग्राफ इसमें भी कई बार थोड़ी वेरिएशन हो जाती जैसे मान लो पहला स्टेटमेंट फिक्स कर दिया डायरेक्शन में लिख दिया कि पहला स्टेटमेंट तो यही है बाकी का ऑर्डर बताओ कई बार पहला छठा भी फिक्स हो सकता है बीच में भी आ सकता है सो so, ये पैराजंबल पैराजंबल्स में दूसरी एक जो वैरायटी यहाँ पे मिलती है जो कि एसएससी से अलग है एसएससी वाले एग्जाम्स में आपको हमेशा ऑप्शन मिलेगा अब मान लो पी क्यू आर एस चार सेंटेंस हैं तो ऑप्शन में आपको पी एस आर क्यू क्यू पी आर एस एस पी आर क्यू इस तरह से चार ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं लेकिन यहां पे एक दूसरा जो क्वेश्चन टाइप हो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पूछेंगे व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट व्हाट इज द फिफ्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट इसका क्या मतलब है कि अगर ए बी सी डी ई e, पांच स्टेटमेंट दिया है तो पहले आपको खुद पढ़ के यू हैव टू अरेज दो इन ऑर्डर एंड देन यू विल बी इन पोजिशन टू आंसर दोज क्वेश्चन इज द थर्ड स्टेटमेंट इज फिफ्थ स्टेटमेंट वॉट इज फर्स्ट स्टेटमेंट तो थोड़ा सा अलग हो जाता है बस पैरा कंप्लीशन अब ये क्वेश्चन टाइप बिल्कुल अलग हो जाता है नाम से पता लग रहा है पैराग्राफ को कंप्लीट करना है तीन तरीकों से सवाल यहां पे पूछे जाते हैं अब कोई भी पैराग्राफ होगा सेंटेंसेस का ही अरेंजमेंट होता है पैराग्राफ में ओपनिंग स्टेटमेंट को कई बार वो गायब कर देंगे यानी मान लो पांच लाइनें दी गई हैं एक पैराग्राफ में पहली लाइन उड़ा दी उन्होंने आपको चार ऑप्शन दे दिए पांच ऑप्शन दे दिए कि आउट ऑफ दीज गि विच वन ऑप्शन विल बी सूटेबल एज ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ दूसरा होता है ट्रांजिटरी ट्रांजिटरी का मतलब क्या जहां पैराग्राफ करवट बदल रहा है करवट ले रहा है यानी शुरू की दो सेंटेंसेस दिए तीन सेंटेंसेस दिए चौथा सेंटेंस गायब कर दिया पांचवा छठा भी दिया हुआ है तो यानी बीच की एक लाइन आपको अब आप फिल करनी है और उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन च्वाइसेज वहां पे होती है सो so, अब आपको वहां ये देखना होता है कि भाई जो जो सेंटेंस मुझे फिल करना है उसके पहले क्या लिखा है और उसके बाद में क्या लिखा है तो वो उसके साथ सेट बैठना चाहिए ये तो सब डिटेलिंग में आप करोगे जब टॉपिक करेंगे हम अभी तो बस परिचय दे रहा हूं मैं आपको सिलेबस का टॉपिक का और तीसरा होता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो सबको लगता है कि भाई पैरा को कंप्लीट करना है यानी मान लो छठी लाइन उन्होंने गायब कर दी पांच लाइन तक पैराग्राफ दिया था छठी लाइन आखिरी लाइन थी एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद अगेन ऑप्शन करेक्ट अगला है आर्ड वन आउट आर्ड वन आउट ये क्वेश्चन टाइम पैराजम्बल का ही करोलरी है वहीं से पैदा होता है तो जिसका भी पैरा जंबल पर कमांड अच्छा है उसको कोई दिक्कत नहीं होती आर्ड वन आउट के अंदर अब आर्ड वन आउट में यू विल बी गिवन फाइव सेंटेंसेज और फोर सेंटेंसेज वो एवर और वो ये पूछेंगे कि इन पांचों सेटेंसेज में से कौन सा एक सेंटेंस है जो इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है तो बा, बाकी के चार जो हैं वो पार्ट हैं चार पार्ट हैं इसका क्या मतलब कि उन चारों को आप अरेंज कर सकते हो तो इसीलिए मैंने कहा कि जिसकी पैराजिम्बल्स पे कमांड अच्छी है लाइनों को जोड़ पाता है देखो मैनिजील कहा मैनिजीरियल बेसिक स्किल्स को वो टेस्ट करते हैं कि यार कोई एस बी बनना चाहता है मैनेजर बनना चाहता है तो फिर तो खैर ये एस एस सी की एग्जाम्स में दो ही ब्लैंक प्लेस की और टू ब्लैंक प्लेसेस की वो भी टू ब्लैंक प्लेस आपको सीजियल मेंस में देखने को मिलता है बट बैंकिंग एग्जाम्स में वैरायटी थोड़ी सी बढ़ जाती है मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में आपको सारी वराइटी एक एक क्वेश्चन दिखाऊं कि देखो फिलर की कितनी वैरायटी है कल ऐसा करेंगे सो so देट आपको आइडिया लगे कि कितना रंगीन है पेपर बैंकिंग का तो मजेदार होता है यहाँ छह से सात अलग अलग टाइप से वो फिलर्स के सवाल पूछते हैं होमोनिम्स वेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट ईजी होते हैं करने लेकिन वही कि आपको एक्सपोजर तो होना चाहिए ना आप जैसे सी जी की तैयारी से इधर शिफ्ट कर रहे हो यहाँ चीजें कैसी हैं क्या क्या चेंज करना पड़ेगा थोड़ा वो आपको सीखना है तो फिलर्स की जो वैरायटी है वो सिक्स टू सेवन टाइप्स की मिलती है जो सारे हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे अप्रोचेस सीखेंगे क्लोज टेस्ट आप एस uh, के एग्जाम्स में भी प्रैक्टिस करते हो डिफेंस के एग्जाम में भी करते हो यहाँ पे भी क्लोज टेस्ट की के uh, क्वेश्चन आपको मिलेंगे नंबर ऑफ सेंटेंसेज जो है वो वेरी कर सकते हैं पाँच से लेकर के सात आठ नौ पंद्रह तक भी पहले आए हुए हैं ब्लैंक तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है तो ये सारे क्वेश्चन टाइप अंग्रेजी के प्रयोग की समझ को टेस्ट करते हैं आपके इसीलिए इसको क्या कहा गया इंग्लिश कहा गया आइए अगला एरिया हमारा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको मैं जिसको आप आरसी कहते हैं और मैं शॉर्ट में इसको रॉयल चैलेंज भी कहता हूं अभी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे सर क्या पढ़ें आऊंगा मैं उसके ऊपर लेकिन अगर मैं इन जनरल पूछूं क्लासेस में जब भी पूछता हूं जवाब यही मिलता है कि भाई अपने टेक्स्ट बुक्स के अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़ पेपर्स डेली बेसिस पे पढ़ते हैं यानी यू आर रीडिंग न्यूज़ पेपर्स रिलीजियसली एंड रेगुलरली तब हाथ कम खड़ा होता है हमारी हैबिट नहीं है या कितने लोगों ने नॉवेल्स पढ़ी हैं फिक्शन नॉन फिक्शन कुछ भी नहीं हाथ खड़े होते उतने तो हमारे देश में ना मतलब अगर कुछ स्टेट्स को हम छोड़ दें वहाँ रीडिंग का कल्चर है पेरेंट्स बचपन से ही डालते हैं कि बच्चे अलग अलग एरियाज़ की किताबें पढ़ें मैगजीन्स पढ़ें अपडेटेड रहें अपने आप को पता हो जिस दुनिया संसार में रहते हैं कि क्या हो रहा है या क्या हुआ है लेकिन बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती आप अखबार भी पढ़ते हो तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं चैलेंजेस आते हैं वो सब मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ तो इसीलिए देखिए ये बहुत डिटेल्ड एरिया चलता है और अभी आ, पिछले बैच में आई थिंक बारह तेरह क्लासेस बैंक टेन के अंदर आ, आरसी से ही हुई हैं इतने घंटे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कंटेंट पहुंचा है तो यहां पे आप बेसिक्स ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पहले सीखेंगे लाइक व्हाट इज क्रिटिकल रीडिंग व्हाट इज एक्टिव एक्टिव को ही क्रिटिकल बोल लेते हैं यानी एक एक्टिव रीडिंग पैसिव रीडिंग में क्या फर्क है किस तरीके से क्रिटिकल रीडिंग को इंप्रूव करें uh, उसके कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप उसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे आपकी कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या दिक्कत है अंडरस्टैंडिंग में क्या दिक्कत है आपको एहसास होगा इस बात का कि कई बार आप न्यूज जब पढ़ते हो तो उसमें शुरू की लेट से दो आपने मान लो पांच लाइनें पढ़ी शुरू की दो लाइन आपको समझ में आई लेकिन उसके बाद की तीन लाइन समझ नहीं आती क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस दिमाग में उस स्पीड में नहीं होता जिस स्पीड में हमारी आंखें उस आर्टिकल को पढ़ रही हैं ये क्या बता रहा है कि मेंटल स्टेमिना उतनी नहीं है कॉम्प्रिहेंशन uh, स्किल्स उस लेवल के नहीं है स्पीड स्पीडली speed, uh, जब आप रीड कर रहे हो तो आप सारी बातों को समझ पाओ तो आप दोबारा फिर उन लाइनों को पढ़ने जाते हो जिसको आपकी आंखों ने तो देखा था बट आपके दिमाग में वो चीजें नहीं बैठी तो कॉम्प्रिहेंशन में जो जो दिक्कतें हैं जिसको मैं दो टर्म देता हूं एक होती है डिलेड अंडरस्टैंडिंग कि समझ ही धीमे आ रहा है और दूसरा हैंडी कैप्ड अंडरस्टैंडिंग समटाइम्स यू अंडरस्टैंड ओनली फिफ्टी ऑफ द कॉन्टेंट बट यू डोंट गेट वॉट इज रिटर्न इन द रेस्ट फिफ्टी समझ ही नहीं आता कई बार लगता है अंग्रेजी बड़ी हार्ड टाइट है बात ही नहीं समझ आ रही बैकग्राउंड डिटेल नहीं है कई बार बैरियर्स बनते हैं वो कैबलरी ग्रामर इट स्ट्रक्चर नहीं समझ आता तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी तो क्रिटिकल रीडिंग पे हम काम करेंगे टोन और राइटिंग स्टाइल ये एवरग्रीन क्वेश्चन टाइप है आरसी के अंदर व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज वहां पे कॉन्डिसेंडिंग डाइडेक्टिक पिडेंटिक पेडागोजिक इस तरह से ऑप्शंस मिलते हैं बड़े सारे आपको तो 35-40 शब्द होते हैं वहां पे सार्कास्टिक टोन है आ, आपकी की है है जैसे हमने कहा तो है, तो है ये सारे शब्दों का क्या मतलब होता है कैसे आप एक आर्टिकल पढ़ करके ये समझोगे कि इसकी टोन क्या है भाई अगर शब्द का मतलब ही नहीं पता मैंने चार पांच छह सात वर्ड आपको बोले अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विच्यूपरेटिव या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द असर्बिक वो लिख रहा है ऑप्शन में कि चार ऑप्शन दिए व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज दिच्यूपरेटिव सार्कास्टिक डाइडिक आपको मतलब ही नहीं पता इन शब्दों का तो क्या ही करोगे आप तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड टोन में पूछे जाते हैं ये सारे वर्ड में डिस्कस करूंगा उनकी मीनिंग उनके सेंटेंसेज एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड फिर आती है बात राइटिंग स्टाइल की अब ये सब चीजें नहीं बताई जाती एस एस बैंकिंग के अंदर लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट एग्जाम में कैट के लिए कैट जेट आई के लिए पढ़ाया है सारा ज्ञान है मेरे पास तो वो ज्ञान मैं अपने बैंकिंग के स्टूडेंट्स को देता ही देता हूँ कि उनकी लैंग्वेज की समझ बेहतर हो तो अब एक तरह के कॉन्टेंट को लिखने के कई तरह के राइटिंग स्टाइल्स हो सकते हैं अब जैसे आप जब कवर लेटर लिखते हो अपनी ईमेल के लिए तो उसकी राइटिंग स्टाइल कैसी होगी वो परसुए होगी वो, वो परसुए होगी लेकिन आप अगर कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसकी राइटिंग स्टाइल अलग तरीके की होगी राइट उसकी राइटिंग स्टाइल अलग होगी आप कोई पोएट्री लिख रहे हो उसकी राइटिंग स्टाइल अलग होगी आप कोई एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसकी राइटिंग स्टाइल अलग होगी तो जितने तरह के राइटिंग स्टाइल्स होती हैं चार मेजर टाइप्स होते हैं उन्हीं से बाकी भी निकलते हैं तो उन सभी का डिस्कशन करेंगे समझेंगे एग्जाम्पल्स देखेंगे एनालिसिस करेंगे कि आपको पैराग्राफ पढ़ के समझ में आए कि इसकी राइटिंग स्टाइल किस तरीके की आर्ग्यूमेंटेटिव है डिस्क्रिप्टिव है परसुएसिव है नैरेटिव है ये अलग अलग तरह के राइटिंग स्टाइल होती है अब अखबार के अंदर एडिटोरियल की राइटिंग स्टाइल परसुएसिव होगी लेकिन वहीं पे आपकी बाकी न्यूज स्टोरीज जो होती हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव या एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल में होती है उसी अखबार के अंदर तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी रीडिंग से जुड़ी हुई हमें लगता है अंग्रेजी ऐसी चलती ऐसे नहीं चलती आप पूरी अंग्रेजी के जितने टेक्निकल आस्पेक्ट हैं चाहे वो ग्रामर का टेक्निकल आस्पेक्ट है वो कैप का है कॉम्प्रिहेंशन का है सब कुछ मेरे साथ सीखो क्योंकि ये, ये ये aptitude test है, ये एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट 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 है 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 एकेडमिक नहीं क्वेश्चन टाइप्स ऑफ जितने तरह की होती है जैसे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन टाइप व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज वॉट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पैसेज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज व्हाट इज द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज तो इन सब सवालों को किस तरीके से आप उसका आंसर करें क्योंकि सूटेबल टाइटल क्या है आरसी के पैसेज का इसका जवाब पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा तो ऐसे सवालों को कैसे जवाब दें हम किस तरीके से जो एग्जामिनर वो हमें ट्रैप में लेता है वो क्या गलतियां करेंगे हम कैसे फंसेंगे ये सब कुछ आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल्ड मैनर में हम चीजों को लेके जाएंगे हाउ टू अप्रोच आरसी विद मैक्सिम एक्यूरेसी मैं एक फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ वो मेरे YouTube चैनल पे भी है इंग्लिश एक्सपो विद सत्य तिवारी तो यहां से आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि आरसी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है स्टूडेंट्स की कि सर हम चार ऑप्शन में तो दो तो एलिमिनेट कर देते हैं बट दो में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं तो भाई अगर एक बार आपने दिमाग समझ लिया इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेड स्पेस ऑफ द एग्जामिनर कि वो आर्थिक क्वेश्चन को कैसे सेट करते हैं या मैं अगर क्वेश्चन सेट करूंगा तो कैसे सेट करूंगा तो जो आपको चूना लगा रहा है वो कैसे चूना लगाता है आपको अगर ये आपको पता लग गया तो चूना नहीं लगेगा तो उस लेवल पे आपकी तैयारी मैं कराऊंगा यहां पे राइट सो कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरसी बेस्ड क्वेश्चन एज पर द लेटेस्ट पैटर्न वो तो होगा ही तो जब पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल मैनर में हो जाता तब हम प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे और ये हर एक टॉपिक के साथ होगा पहले कॉन्सेप्ट का 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 डिस्कशन 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 अप्रोच टिप्स कि क्या टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कैसे इस बड़े से दिखने वाले क्वेश्चन को आप चुटकियों में निपटा सकते हैं ये सब सीखने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे तो अब देखो आरसी का जो क्वेश्चन टाइप है ना वो थोड़ा सा एसएससी uh, से यहाँ पे अलग हो जाता है कैसे अलग हो जाता है वहां आपको पता है छह पैसे जाते हैं पांच पांच क्वेश्चन के आते हैं चार मॉडरेट होते हैं दो थोड़े फिलोसफी बेस्ड और इस तरह के मिल जाते हैं यह है एस का हाल बैंकिंग के आरसी में आपको प्रीमियम भी मिल सकता है मेंस में भी मिल सकता है मेंस में जैसे 35 क्वेश्चन है आपके पास इंग्लिश में तो हो सकता है कि आपके सेट में से 35 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आ जाए बट इसमें वैरायटी बड़ी मिलती है इसमें वो आपको जो है आरसी के अंदर ही वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन पूछ लेंगे चार वर्ड उन्होंने बोल्ड कर दिया ए बी सी डी और उन वर्ड को वो वर्ड वहां लगने नहीं चाहिए यानी ए को सी से रिप्लेस करना है सी को ए से इसी को वर्ड स्वैप बोलते हैं तो आरसी में ही वर्ड स्वैपिंग पूछ लेंगे वो आरसी के अंदर एक लाइन को इटालीसाइज करके लिख देंगे जो टेढ़ा करके वो लिखते हैं या बोल्ड कर देंगे और फिर वो पूछेंगे कि क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है उसी में वो कई बार फिलर के सवाल भी पूछ लेते हैं तो ये है बैंकिंग के आरसी का हाल थोड़ा जो बाकी से अलग है यहाँ आरसी में आपके ग्रामर के ज्ञान वो के ज्ञान को भी वो कई बार टेस्ट कर लेते हैं अलग अलग तरीके से सवाल पूछ लेते हैं तो वो सारा पैटर्न आप यहां पे देखोगे और जाहिर तौर पे एस से थोड़ा सा लेवल आरसी के क्वेश्चंस का यहाँ पे हाई होगा लेकिन इतने ज्ञान के बाद वो सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी अगला एरिया है ग्रामर का आपके पास वी uh, अवेलेबल हैं रवि एल कम टू दोज क्वेश्चन आई जस्ट रिक्वेस्टेड यू पीपल प्लीज लेट मी कंप्लीट दिस डिस्कशन देन आई एल ओपन दिस हाउस फॉर योर क्वेश्चन राइट बिमलेस हो रहा है मेरे भाई कमेंट रिसीव हो रहा है कभी आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी कोई बात नहीं इस बात का ध्यान रखिए आप अपने मोबाइल में ना आपको लगता है मैं हूं और सर हैं क्या बात है सर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे भाई यहाँ भी मेरे को सैकड़ों कमेंट यहां दिखते हैं और कई बार जैसे आप कमेंट करते हो आप सोचते हो कि सर ने सर मेरा कमेंट का जवाब दीजिए आपको कमेंट नीचे जा चुका होता है मैंने इसीलिए गुजारिश की कि मैं जब सारी बात आपको समझा दूं तो फिर आपको लिए पाँच दस मिनट का टाइम होगा आप सवाल पूछेगा ठीक है अब uh, मुझे पांच मिनट और दे दीजिए देन आई आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चन पहले समझ लो कहा गड़बड़ है क्या गड़बड़ करते हैं तो ग्रामर में शुरुआत होती है मेरी ग्रामर प्राइमर से आपके पास वीओडी है आप देखेंगे वो क्यों कराता हूं मैं ये जनरली कई बार आपने ग्रामर पढ़ी होगी कहीं किसी टॉपिक से शुरुआत हो जाती है बेटा टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ते हैं नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ते हैं प्रोनाउन इसमें क्या होता है आप कोई भी चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ो हर जगह पे मिलते हैं आपको सेंटेंसेस आप खुद अपने आप से पूछिए क्या किसी अंग्रेजी के सेंटेंस से अगर कोई पूछे बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है तो आप क्या कॉन्फिडेंटली समझा पाएंगे क्या क्योंकि हमने तो बचपन में वही वाली पढ़ाई की राम किल्ड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट राज लाइक सिमरन क्या ये सेंटेंस आपको अखबार में मिलते हैं तो जो रियल टाइम सिचुएशन है आपके लिए आप कई बार उसके लिए तैयारी नहीं होते आपको अंग्रेजी का एक लंबा सेंटेंस भी नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस व्हाट इज द वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस क्योंकि आपको इन टर्म्स की समझ नहीं होती फ्रेज और क्लॉज की कई बार समझ नहीं होती हम बचपन से पढ़े होते हैं शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं तो आप पहले मेरे साथ शब्द सीखोगे शब्द का मतलब क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आप लेके आएंगे जैसे मैं अगर एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछूं यहां पे कि मुझे यह बताओ आई नीड योर सपोर्ट यहां सेंटेंस में लिख रहा हूं आई नीड योर सपोर्ट एंड आई सपोर्ट यू अब इन बोथ दीज सेंटेंसेज द वर्ड सपोर्ट इज कॉमन आपकी जो भी अंग्रेजी की समझ है अभी आप मुझे बताइए कि ये दोनों सपोर्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है और जब मैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल बोल रहा हूं तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं ये सपोर्ट नाउन है प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एड वर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन क्या लग रहे हैं बताओ मुझे जरा तो आप बताओ पहला सपोर्ट क्या है और दूसरा सपोर्ट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच से टेल मी बताएं मुझे कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली बताओ बहुत अच्छे वेरी गुड बिमलेश अस्मित शिवानी अंकित दो अंकित हैं विवेक अंकुश चलिए विवेक को एडजेक्टिव और वर्ब लग रहा है पहले में एडजेक्टिव लग रहा है अंजलि आपको पहले में नाउन है सेकंड में वो अब खुशी को लग रहा है तो देखो अब ये इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता ना बहुत बेसिक सेंटेंस है और शायद कोई पूछे भी नहीं आपसे बैंकिंग के एग्जाम में तो ये तो एम लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है शायद लेकिन वही वाली बात कि हमें ऐसा नहीं कि नाउन को रटना है या प्रोनाउन की कोई डेफिनेशन पूछ रहा है एग्जाम में या एडजेक्टिव के टाइप्स पूछ रहा है स्कूल के दिन छट गए बट यू शुड हैव दिस अबिलिटी दैट इफ अ सेंटेंस इज गिवेन इधर इन अ रिटन मैनर और स्पोकन फैशन यू शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस टू आइडेंटिफाई दैट दैट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ वर्ड तो मैं जब शुरू करूंगा ग्रामर प्राइमर तो यहां पे सारे के पार्ट ऑफ स्पीचेस का हम फंक्शनल एस्पेक्ट देखते हैं उनका फंक्शन क्या है उनका रोल क्या है अंग्रेजी के एक सेंटेंस के अंदर जब आप उनका रोल पहचान लेते हो तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये क्या है अब यहां पे सब्जेक्ट के बाद ये आ गया वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं और यहां पे देखो आई सब्जेक्ट है नीड वर्ब है अब जो हम वही कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब इसमें के लिए क्या एक वर्ड है क्या नहीं यहां ऑब्जेक्ट के लिए दो शब्दों का समूह आ गया तो अब आप वही कहोगे ना कि नाउन सब्जेक्ट बनता है नाउन ऑब्जेक्ट बनता है भाई यहाँ पे नाउन तो नहीं हुआ नाउन तब कहते जब एक शब्द होता क्योंकि ये दो शब्दों का समूह सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये बन गया नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेज बनता कैसे यहाँ सपोर्ट जो शब्द है ये नाउन है और यूरोप जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब तुम्हारा हो गया तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर के बनता है नाउन फ्रेज अब अगर यही सब चीजें बेसिक नहीं समझ है ना तो बच्चा बेचारा कंफ्यूज होता है वो क्योंकि तो उसने अंग्रेजी के फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं देखे हैं उसको बचपन से ये मान लो उसने पढ़ा हुआ है कि आ, आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो किसके पहले होता है आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है अब मैंने अगर सेंटेंस लिखा खुशी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल खुशी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल खुशी के नाम का इस्तेमाल किया मैंने यहां पे। तो अब खुशी को ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई इंटेलिजेंट जो शब्द है ये तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल इस शब्द की एडजेक्टिव है हमने बचपन से पढ़ा कि आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन से पहले होता है ये और आपको लग भी रहा है कि यह गलत भी नहीं है क्योंकि बचपन से सुन रहे हैं ही तो तब सवाल पूछे ना आप सवाल पूछते हैं तो क्योंकि स्कूल की पढ़ाई लिखाई में रोट लर्निंग रट करके उगल आए बस पेपर पे कॉलेज में भी रट आए फाइव इन टेन ईयर्स करके यहां पे आपकी पढ़ाई लिखाई अंडरस्टैंडिंग पे शिफ्ट हो जाएगी यहां रटना कुछ नहीं है न तो आप मेरे साथ वोकैब रटोगे लेकिन तब भी वोकैब आपकी इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होगी ग्रामर में कोई रूल रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आपको अंडरस्टैंडिंग है जो चीज समझ आती है ना वो हम रटते नहीं रटना वही पड़ता है जो समझ में नहीं आता तो अब पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा समझ के ऊपर तो अब आपको पता है देखो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है गर्ल नाउन है इंटेलिजेंट गर्ल जो है ये आपका एनपी बन जाता है नाउन फ्रेज बन जाता है और आर्टिकल का इस्तेमाल हम सिर्फ नाउन ही नहीं नाउन फ्रेज के पहले भी कर सकते हैं और इसलिए बचपन से देख रहे हो ये एन लगा हुआ है यहां देखो बचपन की जो पढ़ाई होती है वही जैसे मैंने कहा फोकस रटने पे था पेपर पास करने पे क्लास को क्लियर करने पे था अंडरस्टैंडिंग पे उतना फोकस नहीं था अब जरूरत उसकी है जैसे अभी हमने कहा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको लिखना है इससे लिखना है जब आप खुद सेंटेंस सोचते सोचोगे तभी तो लिखोगे सोचोगे उसको स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर आपके मन में सवाल भी खड़े होते हैं बचपन का ज्ञान कहीं से आवाज मारता यार तुमने तो यह पढ़ा था कि आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है इंटेलिजेंट तो यार एडजेक्टिव इसके पहले कैसे हो सकता है तो आप अपने ही द्वंद में फंसे रहते हो तो ग्रामर प्राइमर इसीलिए मैं सबसे पहले ग्रामर में कराता हूं जैसे पेंट करने से पहले प्राइमर किया जाता है तब पेंट लगता है तो हम शुरुआत वर्ड से यानी पार्ट ऑफ स्पीच फिर फ्रेजिज को समझते हैं क्लॉजिज को समझते हैं और तब सेंटेंस को समझते हैं और जब आप एक सेंटेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग है तब चाहे कोई भी चैप्टर आप करोगे हर जगह तो सेंटेंस ही मिलेंगे क्वेश्चन करने के लिए आप कॉन्फिडेंटली कर पाते हो अब कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए उनकी लिस्ट देखिए वर्ब एंड टेंस बेसिक वर्ब कनेक्टेड है सभी के साथ फिर नाउन और प्रोनाउन को कि ये दोनों सब्जेक्ट बनते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब की अग्रीमेंट करनी पड़ती है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तभी होगा जब इन तीनों चैप्टर्स की आपको समझ इसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल रटने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक और चैप्टर चाहिए होता है कंजंक्शन ये चार चैप्टर अगर आपके पास हैं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एस वी ए कॉनकॉर्ड आपके लिए कुछ नहीं है इन्हीं चार की समझ को वहां टेस्ट किया जाता है एडजेक्टिव एड वो भी हमारे मॉडिफायर्स हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करने का काम करते हैं इनके भी कॉन्सेप्ट आप देखोगे समझोगे चीजों को ठीक है प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब्सिशन मैंने ये एक साथ डाला हुआ है तो प्रेपोजिशन का जो आप, आपका यूसेज वाला आस्पेक्ट है वो कहाँ होता है फ्रेजल वर्ब्स में होता है फिक्स प्रिपोजिशन में होता है तो उस एरिया की आपको समझ होनी चाहिए आ, उसकी शीट्स भी मैं आपको दे दूंगा फ्रेजल वर्ब्स की आप उसको पढ़ते रहिए क्योंकि इनकी संख्या हजारों में है क्लास में ऐसे लेकर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा तो अंग्रेज़ी सिर्फ इसी की चलेगी बट आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो ये सारा डिस्कशन होगा और कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन एज पर लेटेस्ट पैटर्न वो तो हर एरिया में होना ही है तो ग्रामर के क्वेश्चन भी बैंकिंग uh, एग्जाम्स के अंदर पाँच छः अलग अलग तरीक़ों से वो पूछ लेते हैं नाम अलग अलग हो जाता है बेस्ट री स्टेटमेंट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट है फ्रेज रिप्लेसमेंट है सेंटेंस करेक्शन है एरर डिटेक्शन है क्योंकि एस में दो ही नाम मिलता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहां वराइटी बढ़ जाती है डायरेक्शन को ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे कॉलम बेस्ड भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं तो ये हो गया आपके ग्रामर का पार्ट और लास्ट में आ जाता है क्या वो कैब का पोर्शन वो कैब में वोकैब डेवलपमेंट मेथोलॉजी जो है हमारी चाहे वो ग्रुप्स के अंदर है ग्रुप्स uh, के अंदर अगर आप बात करें वही देखो पीआरएस मेथड का मतलब रूट वर्ड का मेथड अब वर्ड का मेथड डेफिनेटली एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर है सीधे क्वेश्चंस में वन वर्ड्यूशन में स्पेलिंग एरर्स में तीनों में मददगार होता है वर्ड बट बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते बट अगर रूट वर्ड की आपको समझ है ना तो शब्दों के मतलब का इंटेलिजेंट गेस आप लगा सकते हैं कि भाई ये रूट है इसका ये मतलब है इससे बनने वाला ये शब्द है इसका मतलब इसी से जुड़ा होगा कुछ तो ये वो अप्रोच भी आप यहां सीखोगे रूट वर्ड के क्या चैलेंजेस हैं क्या एक्सेप्शन हैं वो सब देखेंगे आप इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स मैं डिस्कस भी करूंगा निमोनिक्स का जो मेथड है यानी जो मेमोरी एड कुछ इमेज साउंड पिक्चर स्टोरी के जरिए आप शब्दों को याद रखते हैं फिर आ जाता है वर्ड ग्रुप्स और ये वर्ड ग्रुप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों जो हैं लिखे गए हैं होमोफोन्स पैरोनिम्स होमोनिम्स इन तीनों से आपकी वोकैब काफी इंप्रूव होती है साथ ही साथ इनका सीधा इस्तेमाल आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिलता है आप जिन्हें जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं यही दो कैटेगरी हैं और होमोनिम्स के ऊपर तो बैंकिंग एग्जाम्स में तीन तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे मैंने आपको बताया था ना फिलर्स की पांच छः सात वराइटीज हैं तो उसमें से तो तीन टाइप तो यहीं से निकल आते हैं होमोनीम तो इनका डिस्कशन मैं करूंगा जब वो कैब की बात शुरू होगी आज तो सिलेबस का ही डिस्कशन है तो होमो वैसे बता ही देता हूं एक एक वर्ड बता देता हूं आपको अब देखो होमोफोन्स नाम से पता लग रहा है सिमिलर साउंडिंग फोन का मतलब साउंड होता है होमो का मतलब सिमिलर होता है तो होमोफोन्स का मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड डिफरेंट इन मीनिंग अब जैसे आपके पास शब्द है अबेट और अबेट प्रोनाशन में थोड़ा बदलाव होता है अबेटमेंट टू सुसाइड आपने सुना होगा किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना ए बीईटी अबेट का मतलब होता है टू प्रोवोक समन टू डू सम बट अगर आप किसी चीज को अबेट कर रहे हैं इसका मतलब आप उसकी इंटेंसिटी को उसकी पावर को एनर्जी को डाउन कर रहे हैं तो अगर आप ये दोनों शब्द अलग अलग शायद सीखने जाओ तो आपको शाम तक भूल जाए बट क्योंकि आप इसके सहारे सीख रहे हैं तो आपको याद रहेगा अब जैसे इसी तरह के बहुत बेसिक सा शब्द है एम टी एल इसका मतलब आप सबको पता है मेटल का मतलब धातु होती है लेकिन एम ई डबल टी एल ई इसका परसेंटेज ड्रास्टिकली डाउन आएगा मैं पूछूं एम ई डबल टी एल ई मेटल का क्या मतलब होता है तो शायद 20 परसेंट स्टूडेंट सही जवाब दें 80 परसेंट नहीं देंगे लेकिन एम ई टी एल का जवाब 100 परसेंट स्टूडेंट देंगे तो जैसे मुझे पता है कि नहीं इसका जवाब एटी परसेंट को नहीं पता होगा वैसे एग्जामिनर को पता होता है और वो खेलते हैं इसमें तो अगर आपने एम ई डबल टी एल ई का ज्ञान एम ई टी एल का ज्ञान आपके दिमाग में पहले से है अगर आप कोई नई चीज अपने दिमाग में जब डाल रहे हैं रजिस्टर कर रहे हैं उसका कुछ कनेक्शन बना लेते हैं पुरानी चीज के साथ तो वो नई चीज लंबे समय तक आपको याद रहती है अदरवाइज वो भूल जाएगी आज सुबह जैसे वर्ड लिखते हैं ना बच्चे आज हिंदू के वोकेबलरी शाम तक वो भूल जाएगा आपको उसका कोई फायदा नहीं बिकॉज विदाउट एसोसिएशन और कनेक्शन यू के नॉट रिमेम्बर एनी थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसीलिए मैंने कहा कि ये मेथड शब्दों को याद रखने में तो मदद करता है क्वेश्चन में भी आपको मदद करता है वो सब आप देखोगे वैसे मेटल का मतलब काबिलियत होती है आपकी यू हैव टू प्रूव योर मेटल तो मैं अपनी काबिलियत प्रूव करनी होगी पैरोम्स का उदाहरण देख लीजिए एक एक ही उदाहरण दे देता हूं जैसे आपके पास शब्द है लग्जूरियस लग्जूरियस और लग्जूरियंट अब मैं आपसे पूछूं तो मुझे पता है कि भाई लग्जूरियस का मतलब सबको पता है लग्जूरियस होटल्स लग्जूरियस कार एवरीथिंग जो फुल ऑफ ऐशो आराम से भरा है बट लग्जूरियंट का मतलब कितने लोगों को पता है शायद आप में से पाँच परसेंट को लग्जूरियट का मतलब पता हो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ नाइनटी फाइव परसेंट को नहीं पता मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि कॉमेंट पढ़ने में टाइम खराब होगा मैं अपना पॉइंट आप तक बस पहुंचा रहा हूँ तो ये फायदा कि अगर मैं लग्जूरियट को लग्जूरियस के साथ पढ़ रहा हूँ तो ये मुझे जिंदगी भर अब याद रहेगा अब इसमें फर्क क्या नजर आ गया पैरोनिम समून वर्ड्स को कहते हैं जिनका बेस वर्ड सेम होता है दोनों का जन्म लग्जरी से हो रहा है बट आगे जाकर के शब्द बदल जाते हैं और मतलब बदल जाता है लग्जूरियंट का मतलब होता है जो चीज़ हाईली फर्टाइल हो जिसकी फर्टिलिटी उर्वरता प्रोडक्टिविटी अच्छी हो उसके लिए हम लगाते हैं क्या लग्जूरियन और होमोनिम्स का मतलब होता है जहां पे एक ही वर्ड है एक ही स्पेलिंग है बट उसके मल्टीपल यूसेज है ठीक है सो उसको हम कहते हैं कि होमोनीम uh, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है कि फिक्स शब्द का काइंडली फिक्स द डेट फॉर मीटिंग यहां फिक्स का मतलब निश्चित करना सुनिश्चित करना है आई एम एन फिक्स यहां फिक्स का मतलब डायलमा है कंफ्यूजन है फिक्स माई लैपटॉप यहां फिक्स का मतलब रिपेयर करना है ही uh, टेक हिज डेली फिक्सेस यहाँ फिक्स का मतलब है रोज की दवा उसने अपनी रोज की दवा नहीं ली तो यहाँ फिक्सेस का मतलब ड्रग्स हो गया मेडिसिन हो गई तो शब्द तो एक ही है मल्टीपल यूसेज हैं उसके आप देखिए वही सी ए पी आई टी एल कैपिटल पनिशमेंट में फांसी की सजा हो जाती है वही कैपिटल राजधानी भी होती है और वही कैपिटल पूंजी भी होती है जिससे आप अपना बिजनेस शुरू करते हो सो so, इसको हम कहते हैं होमोनिम जहाँ पे देर इज वन वर्ड बट दट वन वर्ड हैज मल्टीपल मीनिंग ऑन मल्टीपल कॉन्टेक्ट एंड यूसेस तो जब क्वेश्चन टाइप की बात आएगी तब बताऊंगा मैं आपको कैसे पूछे जाते हैं यूसेज ऑफ वोकैबलरी आप मास्टर करोगे मेरे साथ क्योंकि चाहे फिलर का क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है सही शब्द को चूज करना वो कैब को चूज करना उसके लिए कॉनोटेशन कॉलोकेशन कॉन्टेक्स्ट डिग्री डिनोटेसन ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं वो कैब की जो आपको मदद करती हैं वो कैब में तुक्का नहीं मारना है अब आगे से न तो रटना है अब इन सारी चीज़ों को सीखेंगे यहाँ पर इसीलिए देखो मैंने यहाँ लिख दिया सारे कॉनोटेशन कॉलोकेशन कॉन्टेक्स डिग्री डिनोटेशन फ़ॉरन एक्सप्रेशन भी आप सीखोगे जो लैटिन वर्ड्स हैं जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ आपकी एटी नाइन्टी परसेंट लैटिन भाषा से ही आती हैं जो अखबारों में रोज़ मिलता है आपको अमाइकस क्यूरे स्टेटस को यू नो डिफैक्टो सो so, uh, बहुत सारे शब्द हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं प्राइम ऑफ फीसी जैसे आपको मिलता है फ्रेग्रेटेड एलिक्टो तो बच्चों को लगता है ये क्या आ गया इवन गुड मॉर्निंग गुड गुड इवनिंग बॉन्झुआ बॉन्वा बॉन्झू इज द राइट प्रोनाशिएशन फ्रेंच है तो ये फ्रेंच लैटिन ग्रीक जर्मन एल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको ए से लेके जेड तक जितने फॉरन एक्सप्रेशन हैं वो मैं बताऊँगा क्योंकि वो मैं अपने बुकेब स्पेशल में भी बताता हूँ और यहां क्योंकि पूछा जा सकता है वो उसकी समझ क्योंकि आर में आपको मिल सकता है वो इटेलिसाइज करके पूछ सकते हैं वो कैब इन कॉन्टेक्स्ट की क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस के भी जो क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके से हैं यहाँ पे और फिर जितने भी वो कैब बेस्ड क्वेश्चन हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग उन सबका हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रैक्टिस ठीक है इसमें वही वोकैब बेस्ड क्वेश्चन का होता फिलर्स है तो या कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है आखिरी है मिसलेनियस अब ये कुछ और क्वेश्चन टाइप्स हैं जो हम करेंगे जैसे स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं ये भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है दो पार्ट मतलब ये पांच अलग अलग टाइप से ये भी पूछे जाते हैं तो ये सारे टाइप्स आप देख लो कि सिंपल सिंपल टेस्टिंग होती है दो दिए गए वाक्यों को कनेक्ट करना पड़ता है एक दिए गए शब्द के जरिए तो कंजंक्शन की सिंपल समझ की टेस्टिंग होती है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैंने कहा ग्रामर में मिल सकता है वो कैब बेस्ट में मिलान करने के लिए जो बचपन से हम करते थे वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया चार वर्ड को बोल्ड कर देंगे ए बी सी डी जहाँ सी लगना चाहिए तो वहाँ ए लगा है ए की जगह सी आना चाहिए तो वो उसी को वर्ड स्वैपिंग कहते हैं कॉमन सेंस का टेस्ट है वो भी और मॉक पेपर डिस्कशन हम लास्ट में मिसलेनियस सेट का डिस्कशन भी इस बैच में करेंगे तो ये है डिटेल्ड सिलेबस सबका इम्पॉर्टेंट रोल मैंने आपको बता दिया नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी और देर बिल्कुल मत करिएगा ठीक है आखिरी दिन का इंतजार मत करिएगा नहीं नहीं कोई बात नहीं पच्चीस तारीख तक है एडमिशन लो सिस्टमेटिक पढ़ना अभी से शुरू करो इससे नॉमिनल फीस में कहीं कोई चीज आपको नहीं मिल सकती पांचों के पांचों सब्जेक्ट एक बैच के अंदर बेसिक टू एडवांस हर तरह का जो बच्चा पढ़ने वाला है वो जरूर सिलेक्शन लेगा बिल्कुल अंकित आई क्लियर बहुत बढ़िया अंकित अच्छी बात है क्लियर है आपका और इसीलिए आपने नाउन फ्रेज लिखा भी था वहाँ पर सर मेरा मैथ्स और इंग्लिश एस लेवल का है आपके इंग्लिश स्पेशल का स्टूडेंट हूँ क्या मैं इस बैच से एक्सपेक्ट करूँ कि अगस्त में अपकमिंग आई बी के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ बिल्कुल बिल्कुल अंकित बिल्कुल तैयार हो जाओगे भाई मैंने वही तो कहा बेसिक्स तो अब एस एस सी में जैसे बच्चों की संख्या बहुत होती है ना और आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप तो क्लियर ही हैं बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर है इसमें आपको मज़ा फिर और आना शुरू हो जाएगा और जिसकी अभी जैसे एक भाई करते सर अंग्रेज़ी मुश्किल है कभी पढ़ा नहीं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही क्लास में पढ़ाऊंगा बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोल दूंगा और वो जरूरी भी है क्योंकि आपकी आदत में वो पढ़ना चाहिए पेपर तो अंग्रेजी का अंग्रेजी में ही आएगा ना तो आदत भी पड़ेगी सुनने समझे बोलने की भी प्रैक्टिस हो थोड़ी सी लेकिन ये बैच ऐसे ही चलेगा बाईलिंगुअल मोड में होगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब वो भाई का नाम नीचे आ गया पता नहीं मुझे बिम्लेस इज आस्किंग अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ एस बी आई पी ओ बिमलिस स्ट्रेटी इज वेरी सिंपल लेवल ऑफ of SBI आई is the highest in इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस RRB and SBI exams. You do know. एंड एस बी आई एग्जाम भाई हर एक सब्जेक्ट को बेहतर तैयार करो बेसिक्स क्लियर रखो उनके क्वेश्चन ग्रेड पैटर्न करके करते हुए टॉप लेवल पे पहुंचोगे बिल्कुल बन जाओगे कोई मुश्किल नहीं है मैं मिलाता हूं आपको आने वाले दिनों में ना पॉसिबल क्योंकि देखो पोस्टिंग अलग अलग होती है किसी की हैदराबाद में किसी की उड़ीसा में है तो दिल्ली बुलाना बड़ा मुश्किल होता है राइट क्योंकि बैंकर बनने के बाद तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं हो सकती है तो अगर कोई स्टूडेंट मिलते हैं जो अभी पीछे सेलेक्ट हुए हैं तो मैं उनसे मिलाऊंगा क्योंकि आपको लगता है ये तो अपने ही जैसा है अब हम तो बोलते हैं हमारा काम ज्ञान देना है आपको लगेगा अच्छा ये तो मेरा ही भाई है हमारी जैसा है हमारे जैसे पढ़ के आया है ये है बन गया तो वो बताएंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ इंटरव्यूज़ और कराऊँ आपको पता लगे कि भाई हाँ ये चीज़ें पॉसिबल तो स्ट्रैटी में कोई तीन लेवल का स्ट्रैटी होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो पहली बात क्लियर करो नाउन का क्या फंक्शन है एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है एडवर्ब का क्या फंक्शन है अगर एक ग्रेजुएट आदमी सपोर्ट क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पहचान पा रहा तो वो उसकी स्ट्रेटजी तो छोड़ो पहले उसके बेसिक्स क्लियर करो तो जैसे यहाँ पे आप पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे सारे एरियाज का हर एक टॉपिक के अंदर जो भी बेसिक्स हैं जो उसका अप्रोच है टिप्स ट्रिक्स वो सारी चीजें क्लियर करोगे तब क्वेश्चन पे आप आओगे तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो दूसरा उसका अपलीकेशन क्वेश्चन में सीखो और तीसरा पढ़ाओ क्या होता है अपलाई दो इन अ प्रेसराइज सिचुएशन क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होते हैं क्वेश्चन ज्यादा होते हैं बट वही कि मेन्स में लेवल थोड़ा बढ़ जाता है देखो यह भी एस से एक बड़ा फर्क है एस एस सी में मेन्स में दो सौ क्वेश्चन के लिए एक सौ बीस मिनट है बैंकिंग के मेन्स में आई पी एस में एस बी आई में आपको जनरली पैंतीस क्वेश्चन के लिए चालीस मिनट मिलता है तो थोड़ा सा लेवल बैंकिंग के मेंस में बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पांच मिनट ज्यादा देते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पैंतीस है चालीस मिनट मिलता है तो यही जो जो स्ट्रेटजी का फर्क है अप्रोच का फर्क है वो क्लियर रहेगा आप आसानी से सब सफल होंगे सर मेरा टारगेट क्लर्क है क्यों सतीश क्यों टारगेट क्लर्क है क्यों पहले ही छोटे लेवल का टारगेट बना रही है भाई बताओ मुझे टारगेट क्लर्क है तो मुश्किल हो जाएगी क्लर्क में टारगेट ऊंचा रखोगे कम से कम क्लर्क पे आकर रुको छोटे लक्ष्य नहीं बनाते अपने रास्ते के अवरोधक नहीं बनने होते हैं सतीशा में ठीक है क्लर्क और पीओ दोनों में नहीं नहीं जीडी जो देखो ग्रीड जीडी जो है ना वो सिर्फ एसबीआई पीओ में होती है बाकी जगह जीडी नहीं होती इंटरव्यू से काम चल जाता है बस और कोई मुश्किल नहीं आती उसमें ठीक है नीरज तो उसकी टेंशन मत ले लो एसबीआई पीओ में जीडी होती है ग्रुप डिस्कशन होता है ग्रुप एक्टिविटी होती है क्योंकि भाई बड़े बैंक के ऑफिसर बनने जा रहे हो ना वहां पे जीडी का सामना आपको करना पड़ता है अदरवाइज कहीं कोई ऐसी मुश्किल नहीं आती पीओ में आपको इंटरव्यू का आई बी में इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा बस ठीक है अस्मित अस्मितास्ंग हाउ मेनी बुक्स ऑफ योर सर अवेलेबल अस्मित बैंकिंग की बुक आने वाली है तो कुछ दिनों में आपको मिलेगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी अभी जो बैच वो बुक आई हुई है वो है मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस बुक है वो आ, तो वो अभी अवेलेबल है आप ऑर्डर करके उसको ले सकते हैं ठीक है वो एक जनरल प्रैक्टिस बुक है जो एक्चुअली स्टैंडर्ड जो एस का पैटर्न है उसके थर्टीन टॉपिक्स हैं उनके लिए है वो पाँच हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन हैं पिछले पाँच सालों के उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ तो वो प्रैक्टिस बुक है लेकिन बैंकिंग का ज्ञान प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज ये आपको जल्द मिलेगा ठीक है बाकी भी किताबें पाइपलाइन में है काम चल रहा है देखो क्लासेस के साथ साथ बुक तैयार करना आसान काम नहीं होता लेकिन चीज़ें अच्छी पहुंचानी है तो वो जल्दबाजी में भी नहीं होती तो काम चल रहा है किताबें आपको बहुत सारी मिलेंगी इस साल में चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन थैंक यू वेरी मच आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चन विद डिटेल्ड ज्ञान एंड कल मिलेंगे कल हम एक ओरिएंटेशन शीट करेंगे कि आप सब स्टूडेंट्स हैं ही हैं अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं पहले भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत इंग्लिश की पढ़ाई करी होगी कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया भी हो सकता है प्लेटफॉर्म पे हो तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कुछ आपने तो कल थोड़ा सा आप क्वेश्चन टाइप देखो कि कैसे आता है क्या क्या चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं और कैसे क्वेश्चन को करना होता है आसान ओरिएंटेशन क्लास जिसको कहते हैं कि मन से पहले डर दूर हो जाए और उसके बाद परसों की क्लास से फिर हम टॉपिक वाइज चीज़ों को शुरू करेंगे राइट चलिए सो बहुत बहुत धन्यवाद लेट्स कैचअ टुमारो एट नाइन थर्टी थैंक यू एवरी वन